السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون। सबसे पहले हर तरह की हमद और सना, तारीफ और तौसीफ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसके फजल व एहसान से कुरान की तफसीर की इस बाबरकत मजलिस में हम शामिल हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ हमारे शामिल होने को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान की बरकतों से हमारे मसलों को हल कर दे, हमारे सीनों को मुनव्वर कर दे। अल्लाह ताला कुरान मजीद की आयात को समझने, उस पर अमल पैरा होने, उसकी दावत देने और उसको अपनी दावत का उनवान और मरकज़ बनाने की तौफीक अता फरमाए। सूरह बकरा की तफसीर का सिलसिला चल रहा है, अब तक के सूरह बकरा की 165 आयतों की तफसीर हो चुकी है, 145 आयतों की तफसीर हो चुकी है। आज के दर्स में इंशाअल्लाह ताला 146 सूरह बकरा की जो आयत है उसकी तफसीर आप लोगों के सामने रखी जाएगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुसलसल सूरह बकरा का एक खसूसी मौजू इस तहवील क़िबला का मौजू चल रहा है, किबला की तहवील हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16-17 महीनों तक। जब मदीना में आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दिस की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ते रहे और फिर अल्लाह ताला ने अपने नबी को हुक्म दिया कि अपना चेहरा फेर लें, और काबा की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप चेहरा कर लें, और उस पर एक बड़ा बवाल मचा, बहुत सारी बातें होने लगी। मुशरिकीन अपने तरफ से बातें करने लगे, यहूद के अपने तराजात थे, मुनाफिकीन अपना प्रोपेगेंडा करने लगे, और इन सब हंगामों के बीच में मुसलसल अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी को तलखीन कर रहा है कि आप अपना रुख काबतुल्लाह की तरफ करें, आपके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो हंगामे हो रहे हैं, उन हंगामों से घबराइए मत। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलसल तलखीन की जा रही है कि आप हक पर हैं, और जो शख्स हक पर होता है वो बातिल के प्रोपेगेंडे से घबराता नहीं है, वो हक पर डटा रहता है, वो बातिल के चीख बुखार से, उनके हंगामों से, उसके पाए से बाद में तजलजुल नहीं आता, उसके कदम लड़खड़ाते नहीं हैं। तकरीबन यही बात है जो इन आयतों में कही गई है। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, वो लोग जिनको हमने किताब अता फरमाई है, यानी जिनको तौरात इंजील दिए गए हैं, यारिफूनहु वो पहचानते हैं उसको, कमा यारिफून अबनाहुम जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। अल्लाह के नबी हमको बताया जा रहा है कि वो लोग जिनको किताब दी गई, मतलब यहूद और नसारा, यारिफूनहु उसको पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। जो हमारे मुताखिर मुतकद्दिमीन उलमा है पुराने, उनमें से बेशतर लोगों ने कहा कि यारिफूनहु का मतलब जो है क़िबला है, यारिफूनहु यारिफूना, और हुआ इसके अंदर ज़मीर है, यारिफूना फ़ेल हुम ज़मीर फ़ाइल, और हुआ ज़मीर इसके अंदर मफ़ूल है। अब ये हुआ ज़मीर किसकी तरफ लौट रही है, हुआ से कौन मुराद है, यारिफूनहु में हु से कौन मुराद है, इसमें तीन अख़वाल मिलते हैं। एक कौल मुफसरीन का मिलता है कि यारिफूनहु से मुराद क़िबला है, कि अहले किताब जो है वो क़िबले को पहचानते हैं जैसा कि अपने बेटों को पहचानते हैं। ये बड़ी तादाद में मुफसरीन ने ये बात कही, क्योंकि ये पूरी जो आयत है ये क़िबले के कॉन्टेक्स्ट में आ रही है, तो लोगों ने कहा है कि यहाँ पे यारिफूनहु से मुराद क़िबला है, कि क़िबला की तब्दीली का ये हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है, ये पहचानते कि अल्लाह का हुक्म है, ये काबतुल्लाह को भी पहचानते, क्योंकि काबतुल्लाह हज़रत इब्राहिम का क़िबला था, तमाम अंबिया का क़िबला रहा है, क्योंकि काबतुल्लाह पहला घर है जो तामीर किया गया अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए। तो हर ज़माने में अंबिया का क़िबला काबतुल्लाह रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया इन अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका, कि पहला घर जो अल्लाह ताला की इबादत के लिए ज़मीन पर तामीर किया गया था मक्का में, वो क़िबला वो काबा ही था। तो इनको पता है कि काबा हज़रत इब्राहिम का क़िबला है, और इस उम्मत का क़िबला भी काबा होना चाहिए, आखिरी नबी का क़िबला भी काबा होगा। तो ये क़िबले को पहचानते हैं, क़िबले की अज़मत को जानते हैं, ये बात जानते हैं कि क़िबले की तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ना ये अल्लाह ताला का हुक्म है, और ये हुक्म हक है, ये पहचानते हैं क़िबले को। कैसे पहचानते हैं, कमा यारिफून अबनाहुम जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। तो यारिफूनहु में एक मुराद जो है क्योंकि ये कहा गया कि क़िबला मुराद है। दूसरा कौल जो मुफस्सिरीन का मिलता है वो ये कहते हैं यारिफूनहु में हु की ज़मीर ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौट रही है, कि ये अल्लाह के नबी को वैसा पहचानते हैं जैसा अपने बच्चों को पहचानते हैं।
और बेशतर जो हमारे जमाने की मुफसरीन है उन्होंने यारीफा कहो से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मुराद दिया है, क्योंकि जो बेटे होते हैं, बेटे जाहिर सी बात है एक जानदार चीज है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने को इन्होंने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेटों को पहचानने के बराबर करार दिया है, तो ज्यादा बेहतर बात यही लगती है कि यारीफ नहु से मुराद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है, कि ये अल्लाह के नबी को पहचानते हैं, अल्लाह के नबी को जानते हैं, अल्लाह रब के नबी की मारिफत रखते हैं। अच्छा, मारिफत यारिफूना, मारिफत या इरफान जिसको हम कहते हैं, ये एक जो है ना वो एक उसके अंदर खास बात होती है। इरफान या मारिफत कहते हैं किसी चीज का ऐसा इल्म जो उनकी निशानियों के जरिए से हासिल हुआ हो, यानी जिस किसी को किसी की निशानियों को देख करके उसको पहचानना, इसको इरफान कहते हैं। ऐसा इल्म जो किसी की निशानियों के, किसी को उसकी निशानियों के जरिए से पहचानना, किसी को उनकी जो साइंस होती है अलामात, उन अलामात के जरिए से किसी को पहचानना, इसको इरफान कहा जाता है, इसको जो है वो मारिफत कहा जाता है। तो या अरिफू न हूं यानी अल्लाह के नबी को पहचानते हैं कैसे, अल्लाह के नबी सल्लम की निशानियों के जरिए से। अल्लाह के नबी सल्लम की निशानियां क्योंकि मुस्तकिल इनकी किताबों में मौजूद है, और इसको उन निशानियों को बगौर वो पढ़ते रहे हैं, क्योंकि मुस्तकिल जो है वो इस बात के इंतजार में थे कि एक आखिरी नबी आने वाला है, तो वो निशानियां उनके जहन में थी और वो मुसलसल तलाश में थे, इंतजार में थे कि वो आखिरी नबी कब आएगा। तो जब अल्लाह के नबी सल्लम को इन्होंने पहचाना, तो अल्लाह के नबी सल्लम के बारे में वो सारी निशानियां पाई जा रही थी जो इन्होंने यजीदू नहु मकतूबन, जिसको ये अपनी किताबों में लिखा हुआ पाते थे, अपनी किताबों में जो निशानियां इन्होंने पढ़ी थी वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे कि अल्लाह के नबी अंदर वो निशानियां पाई जा रही हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी जैसे ग़ालिब अब्दुल्ला बिन सलाम के बारे में आते कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए मदीना के अंदर और अव्वलीन अहकाम जो नाजिल फरमाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अव्वलीन अहकाम सादिर फरमाए कि तुम सलाम को फैलाओ, खाना खिलाओ, रिश्तों को निभाओ, और रात में जब सो गए हो लोग तो नमाज पढ़ो, जन्नत में आसानी से दाखिल हो जाओगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहकाम थे, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकाम सादिर फरमाए, अहकाम सुनकर के ये समझ गए कि ये आखिरी नबी है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा गया है, ये वही शरीयत लेकर के आया है जो इससे पहले देकर अंबिया शरीयत लेकर के आए थे, है ना। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए आप, अल्लाह के नबी बिल्कुल आगाज वही था जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी कैफियत को पूरे तौर पर समझ नहीं पाए थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा जब वही आई, और अल्लाह के हजरत खदीजा के पास अल्लाह के नबी घबराए हुए आए, हजरत खदीजा वरका बिन नौफल के पास लेकर गई अल्लाह के नबी को, वरका बिन नौफल ने एक नजर में पहचान लिया अल्लाह के नबी को कि ये आखिरी नबी हैं जो आए हैं, अल्लाह ताला ने इनको मबूस फरमा दिया है, और कहा कि काश मैं उस वक्त ताकतवर होता, बाहिसियत होता, जब आपकी कौम आपको बाहर निकाल देगी मदीना से, मक्का से, आपकी कौम आपको अपने शहर से शहर बदर कर देगी। वरका बिन नौफल एक बात में पहचान गए कि अल्लाह के नबी, और फौरन ये कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपको मक्का छोड़ करके जाना पड़ेगा और आपकी कौम आपको मक्का छोड़ने पर मजबूर कर देगी। उस वक्त तो अल्लाह के नबी भी अपनी पूरी कैफियत नहीं समझ रहे थे, बल्कि वरका बिन नौफल से अल्लाह के नबी पूछा, अब मुखरिजी या हम, क्या ये मेरी कौम वाले मुझको निकाल देंगे? तो उन्होंने कहा कि हर नबी के साथ ही होता है। तो आप देखिए, वरका बिन नौफल जो है वो तो बाकायदा अहले किताब के उलमा में से भी नहीं थे, बहुत ज्यादा जो है जो पैदाइशी व अहले किताब के उलमा है उनमें से नहीं थे, वो तो असलन बुतपरस्त थे, फिर उन्होंने बुतपरस्ती छोड़ करके जो है अहले किताब का मजहब इख्तियार कर लिया था। तो जो इनके यहूदों नसारा के जो बाकायदा जो एकदम बुनियादी और गहराई के साथ इल्म रखने वाले थे, वो अल्लाह के नबी को ऐसे नहीं पहचानते। ये सब अल्लाह के नबी सल्लम की जो निशानियां थी, जैसे कि मैंने गालिबन पिछले दर्स में बताया कि सलमान फारसी जो है उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लम की निशानियां देख करके अल्लाह के नबी को पहचान लिया, अल्लाह के नबी भी मान लिया है, बहुत सारे लोग जिन्होंने निशानियों से अल्लाह के नबी को पहचाना। तो ये अल्लाह के नबी सल्लम को वैसे ही पहचानते थे कमा यारिफून अपना हूँ, जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। अच्छा, अपना खास तौर पे कहा, अपना मतलब होता है बेटे, औलाद नहीं होता, औलाद नहीं अल्लाह ने अपना कहा कि अपने बेटों को पहचानते हैं। उसकी एक तो बाज़ उलमा ने कहा है कि अपना कह करके बनात भी मुराद दे लिए, जैसे बनी इसराइल कह करके उनके औरतें और उनके लड़के, यानी बेटे और बेटियां दोनों मुराद ले लेंगे, लेकिन ये कौल मरजूर। सही कौल ये कि अपना से मुराद बेटे हैं, और उसकी एक वजह तो ये है कि ये खास अहले अरब के पस मंजर में आयतें नाजिल हो रही हैं, और अरब के लोगों के नज़दीक बेटे जो है वो बेटियों से ज्यादा महबूब थे। अरब के लोगों के नज़दीक बेटे जो है वो बेटियों से ज्यादा महबूब थे, इसलिए खासतौर पर अबना का इस्तेमाल किया गया कि बेटियों को बाज़ मरतबा इंसान इतना, अरब के लोग इतना महबूब नहीं रखते थे जितना बेटों को रखते थे, इसलिए बेटों का जिक्र किया कि बेटों को जैसा पहचानते हैं वैसा ही अल्लाह के नबी को पहचानते हैं। और यह बाज़ इंसानी फितरत भी है कि इंसान आमतौर पर ऐसा हुआ है कि इंसान
के दिल में बेटों की मोहब्बत बेटी से ज्यादा होती है। आम तौर पे ऐसा होता है कि बेटों की मोहब्बत बेटी से ज्यादा होती है, बेटे की तरफ लगाव और ताल्लुक उससे ज्यादा होता है, तो इसलिए खास तौर पे बेटे का। अब यानी इंसान शख्सियात में सबसे करीब तरीन किसको पहचानता है? अपने बेटों को पहचानता है। वो लाखों की मजमे में अपने बेटे को देख करके पहचान जाता है। अब औरतें जब बच्चों को स्कूल लेने के लिए जाती हैं, लंबी बड़ी भीड़ में भी अपने बच्चे को बहुत आसानी से पहचान जाती है। बल्कि औरत नाबीना भी होना तो अपने बेटे की आहट से पहचान जाती है, कदमों की आहट पहचानती है। अब उनकी उसकी खुशबू से पहचान जाती है, उसको अपने करीब महसूस करती है। तो बेटे जो है ना, वो क्योंकि इंसान सारी इंसानों में सबसे आसानी से जिनको पहचानते हैं उनके बेटे हैं। तो फरमाया जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं वैसे ही अल्लाह के नबी को भी पहचानते हैं। क्या पहचानते हैं? कि ये अल्लाह के नबी हैं, ये वो आखिरी रसूल हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी शरीयत दे करके भेजा है। तो दूसरा कौल यह है कि यहाँ यारिफुनहू से मुराद अल्लाह के नबी है, और एक कौल ये भी है कि यारिफुनहू से मुराद कुरान है, कि ये कुरान को वैसा पहचानते हैं जैसा बेटों को पहचानते हैं। इन तीनों अकवाल में ज्यादा राजी कौल यही लगता है कि यारिफुनहू से मुराद अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि अल्लाह के नबी को ये वैसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। व इन फरीक मिनहुम लयक्तुमून अलहक, और उनकी एक जमात है जो हक को छुपा रही है। वहुम यालमून, हालांकि वो जानते हैं। एक फरीक, एक जमात, एक गिरोह ऐसा है जो हक को जानने के बावजूद हक को छुपा रहा है, यानी तमाम अहले किताब को इसमें शामिल नहीं किया। दो तरह के लोग जो है वो उससे खारिज हैं। पहले कुछ लोग तो वो हैं जिन्होंने हक को जानने के बाद हक को छुपाया नहीं, बल्कि हक को जाहिर कर दिया और उसको तस्लीम कर लिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर गए। नज्जाशी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, हक जानने के बाद हक को छुपाया नहीं बल्कि हक को कबूल कर लिया। अब्दुल्ला बिन सलाम और ऐसे ही कुछ अहले किताब में से जो जैसे अदीब ने हातिम और दूसरे ऐसे कई बहुत सारे सहाबा थे जिन्होंने हक को जानने के बाद हक को छुपाया नहीं बल्कि हक को कबूल कर लिया। इसलिए नहीं कहा कि तमाम अहले किताब जो है वो हक को छुपाते हैं, अहले किताब की एक जमात है जो हक को छुपाती है। वहुम यालमून, हालांकि वो जानते हैं। इससे भी पता चला कि कुछ लोग हक को छुपा रहे हैं क्योंकि वो जानते ही नहीं। कुछ लोग सच बात नहीं कह रहे क्योंकि उनको सच्ची बात का इल्म भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे खास तौर पे कौन लोग मुराद हैं? यहाँ खास तौर पे वो लोग मुराद हैं जो अहले किताब के उलमा में से हैं, वो हक जानने के बावजूद हक को छुपा रहे हैं। तो और ये इससे हमको ये बात भी पता चली कि हक को जानने के बावजूद हक छुपाना ये बहुत बड़ी गुमराही है। यानी एक तो होता है भाई, एक आदमी को सच बात नहीं पता इसलिए वो सच नहीं बोल रहा, एक आदमी को हक नहीं पता इसलिए वो हक की मुखालफत कर रहा है। लेकिन एक आदमी हक जान करके हक की मुखालफत करे, ये ज्यादा बड़ा जुर्म है, ये ज्यादा घिनौना अमल है कि एक आदमी को हक क्या है ये पता है इसके बावजूद वो हक का मुखालिफ बना हुआ है। इसलिए ऐसे उलमा जो दीन और शरीयत का इल्म रखने के बावजूद हक की मुखालिफत करते हैं, दीन की मुखालिफत करते हैं, बिदअतों को फरोग देते हैं और अकायद को बिगाड़ते हैं लोगों के, वो ज्यादा बड़े मुजरिम हैं। ऐसे ऐसे जुहाल भी होते हैं जिनके पास हक का इल्म नहीं है और इस वजह से हक की मुखालफत करते हैं, ये भी मुजरिम है। पर बड़े मुजरिम वो लोग हैं जो हक का इल्म रखने के बावजूद हक की मुखालफत करते हैं, जो एक चीज का के बातिल होने का इल्म रखते हैं इसके बावजूद बातिल के साथ खड़े हुए हैं, इल्म के बावजूद हक की मुखालफत, ये ज्यादा बड़ा जुर्म है। इसलिए अल्लाह ताला ने खास तौर पर फरमाया वहुम यालमून, कि इस हालत में कि वो जानते हैं कि हक क्या है इसके बावजूद वो हक को छुपा रहे हैं। अलहक मिन रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, अल्लाह ताला अपने नबी को तसल्ली देते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तकामत का हुक्म देते हैं, फरमा रहे हैं अलहक मिन रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, हक आपके रब की तरफ से है, हक वही है जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से है। फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, तो आप शक करने वालों में हरगिज शामिल ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है। और क्योंकि ये मैंने बताया शुरू में ही कि एक बड़ा तूफान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खड़ा हो गया जब क़िबले की तब्दीली का हुक्म आया और एक बड़ा प्रोपेगेंडा और हंगामा मचाया गया, और जब हक के खिलाफ एक महाज खड़ा कर दिया जाता है और हंगामा किया जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो उस वक्त इस्तकामत की जरूरत ज्यादा होती है। उस वक्त सच्चाई पर डटे रहने के लिए आपको असबाब की जरूरत होती है। तो अल्लाह ताला अपने नबी को तसल्ली देते हुए और अल्लाह ताला अपने नबी की हौसला अफजाई करते हुए आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए कह रहा है कि लोग क्या कह रहे हैं इसकी तरफ तवज्जो मत दीजिए, लोग कैसे आपकी मुखालिफत कर रहे हैं इसकी तरफ तवज्जो मत दीजिए, लोग जो अल्लाह ताला के खिलाफ हैं वो सब के सब बातिल पर हैं, हक वही है जो आपके रब की तरफ से है, आप हक पर हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको लोगों के हंगामों के सामने
अपने हथियार नहीं डालने, आप लोगों के प्रोपेगेंडों के से मुतासिर होकर के आपको अपने कदम पीछे नहीं हटाना। आप हक पर हैं, हक पर होने के बावजूद आप क्यों डरेंगे, आप क्यों किसी के हंगामे से हक से मुंह मोड़ लेंगे। अल्हक मिन रब्बिक, हक वो है जो आपके रब की तरफ से है। फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, तो हरगिज हरगिज आप ना हो जाएं शक करने वालों में, शक करने वालों में आप शामिल ना हो, आप शक करने वालों में शामिल ना हो जाना। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तसल्ली दी जा रही है कि लोग कितना भी मुखालफत करें, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ जमा हो जाए, आप ही हक पर हैं। लोगों की मुखालफत मत देखो, ये देखो कि तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर क्या नाजिल हुआ है। और अगर आप हक पर हैं तो फिर आप हक से पीछे नहीं हटना है। किसी बड़े की बड़ाई अल्लाह ताला की बड़ाई से बड़ी नहीं है। फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, तो आप शक करने वालों में से ना हो जाए। ऐसा नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अंदेशा था और अल्लाह तब्बुल आलमीन जो है वो इस अंदेशी की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कि आप शक करने वालों में से ना हो जाए। यानी ऐसा नहीं, ये मुमकिन ही नहीं था कि अल्लाह के नबी हम शक करने वालों में शामिल हो जाए। ये इसका इसका इम्कान ही किसी दर्जे में नहीं था कि अल्लाह के नबी हम शक करने वालों में शामिल हो जाए। लेकिन यहाँ पर जब एक चीज जिसका इम्कान भी नहीं होता है, जो महाल होती है और उसकी भी ताकीद की जाती है, तो उसका मकसद होता है इस्तकामत, कि आप अपनी इस्तकामत में और बढ़ जाइए और डटे रहिए हक पर। जैसे अल्लाह ताला ने ईमान वालों को फरमाया, अल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आओ। मतलब क्या है इसका, ईमान लाने के बाद ईमान लाने का मतलब क्या है कि ईमान ले आए हो तो ईमान पर डटे रहो। तो आप शक वालों में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन आप इस्तकामत रखिए हक के साथ। यानी एक होता है हक को कबूल कर लेना, ये निस्बतन आसान होता है हक पर डटे रहने से। हक कबूल करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हक पर इस्तकामत दिखाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अक्सर लोग होते हैं जो हक कबूल करने के बाद थोड़ी सी लालच या थोड़ा सा खौफ अगर आ जाए तो हक से अपने कदम हटा लेते हैं और यहीं पर वो हार जाते हैं। अहले हक वो नहीं होते जो सिर्फ जबान से हक का कलमा पढ़ लेते हैं, अहले हक वो होते हैं जो किसी भी खौफ और लालच के बहकावे में आकर के अल्लाह ताला के रास्ते से नहीं हटते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल लदीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मत तकामू, कि जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है फिर उसके ऊपर डट गए। अल्लाह ताला को ये असल मतलूब है। यानी कुछ लोगों का ईमान जो है ना वो अमन के शर्त के साथ होता है कि हम ईमान पर रहेंगे बशर्ते कि इस ईमान के साथ हमारे पास कोई मसायब ना आए, कोई मुश्किलात ना आए, कोई परेशानियां ना आए। वो इस शर्तिया ईमान उनका होता है। हाँ, अगर कोई परेशानी आएगी, कोई मुसीबत आएगी तो हम हक को छोड़ देंगे। अल्लाह ताला को ऐसा ईमान मतलूब नहीं है जो शर्तिया ईमान हो कि अगर इस शर्त पर हम हक को कबूल करते हैं कि हम सेफ रहें। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। हक कबूल करने के बाद मसायब आएंगे, मुश्किलात आएंगी, आजमाइशें आएंगी और इसी में तो तुम्हारा इम्तिहान होगा कि हक की कबूलियत में तुम कितने मुखलिस हो। वरना अगर किसी बगैर अगर इस शर्त के साथ ईमान कबूल करना होता तो मुनाफिकीन को क्या प्रॉब्लम था? मुनाफिकीन जो थे उनको हक कबूल करने में क्या मसला था? यही ना कि वो उस मुसीबत को नहीं बर्दाश्त करना चाहते थे जो हक कबूल होने की वजह से आने वाली थी। वो उस मुसीबत को बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे, वो उन मसायब और आलाम को नहीं झेलना चाहते थे जो हक कबूल करने के नतीजे में झेलना था। वो समझते थे कि बेवकूफ़ी है कि हक की कबूलियत के लिए ये मुसीबतें और ये आलाम झेले जाएँ और इन फवायद और इन मफादात को छोड़ दिया जाए। उनके साथ यही मसला था। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लाह तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, कि अगर आप हक पर हैं तो फिर आपको हक पर डटे रहना है, हक से कदम नहीं हटाना है, आपको पीछे नहीं जाना है, आपको उस पर डटे रहना है। तो इस्तकामत मतलूब है हमको दीन के हर मसले में। यहाँ तो सिर्फ क़िबले की बात हो रही है, लेकिन दीन के हर मसले में अल्लाह ताला हमसे चाहता है कि हम इस्तकामत दिखाएं। बहुत सारे ख़ास तौर पर हम लोग जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फितनों का दौर दिया है, फितनों के दौर में बाज़ हदीसों के अंदर आता है ना कि अलकाबिज़ अला दीन ही, कि दीन पर मजबूती से थाम करके रखने वाला दीन ये ऐसा ही होगा जैसे कोई आदमी जलता हुआ कोयला हाथ में रखे। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बहुत बहुत बड़ी चीज़ें नहीं, दीन की बाज़ मरतबा यानी कोई बहुत इतना अकीदे और वो उसके मसाइल नहीं होते, दीन के बाद शार जो है ना उनको थाम करके रखना बड़ी मुसीबतों का सबब बन जाता है हमारे माशरे के अंदर। यानी एक औरत जो है पर्दा करना, मतलब पर्दा दीन में बहुत अहम है, लेकिन पर्दा कोई ऐसी चीज नहीं जिससे किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए। लेकिन आप देखें कि हमारे माशरे में पर्दा करना कितनी मुश्किल चीज हो गई है। यानी एक औरत के लिए, अब मैं ये नहीं कह रहा कि पर्दे की हमारे दीन में कोई अहमियत नहीं है, पर्दे की हमारे दीन में बहुत अहमियत है,
पर माशरे में क्या किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए अगर एक औरत पर्दा करना चाहती है। लेकिन मसला यह है कि पर्दा करना एक तरह का जिहाद बन गया है बहुत सारे घरों के अंदर, बहुत सारे माशरे में, बहुत सारे समाज में। एक औरत जो है वो उसके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है पर्दा करना, यानी एक उसके मुकाबले में तूफान खड़ा कर दिया जाता है पर्दा करने के लिए, खास तौर में जिस जिस पर्दे का हमारे माशरे में रिवाज ना हो, अपने कजिन से पर्दा करना, अपने देवर से पर्दा करना। यानी बहुत सारे शोहर जो है वो अपनी औरत के मुखालिफ हो जाते हैं कि तुम मेरे भाई से पर्दा क्यों करती हो। बहुत सारी माएँ जो है वो अपनी बच्चियों की मुखालिफ हो जाती हैं कि तुम मेरे भतीजों से और भांजों से पर्दा क्यों करती हो। नहीं, पर्दा करना ये कितना बड़ा मसला बन गया हमारे माशरे के अंदर, जो आजकल हमारे माशरे में एक हमारे वतन के अंदर जो एक मसला पर्दे के ऊपर उठा। तो ऐसे नॉर्मल हालात होते हैं तो पर्दा करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन जब मसाइब आए, मुश्किल आए, परेशानी आए, फिर भी एक औरत जो है वो डटी रहे अपने शोहर के मुकाबले में, अपने ससुराल वालों के मुकाबले में कि जितने भी मेरे पास मसाइल आएंगे मैं नकाब नहीं छोड़ने वाली। ये इस्तेखामत अल्लाह को मतलूब है। आम हालत में पर्दा करना तो कौन सी बड़ी बात है। दाढ़ी रखना मर्दों के लिए कितना बड़ा मुश्किल काम हो गया है। यानी एक तो फ्रीडम ऑफ चॉइस की बात दुनिया करती है ना, तो दाढ़ी रखना एक आदमी की चॉइस है, पर्दा करना एक औरत की चॉइस है। लेकिन आप देखिए फितनों के इस दौर में दाढ़ी रखना, पर्दा करना जिहाद से कम नहीं है। लड़कों की शादियां नहीं हो रही है कि दाढ़ी रखी हुई तो लड़की जो है वो रिश्ते रिजेक्ट कर दे रही है। यहाँ जो है वो जॉब नहीं मिल रहे हैं, दाढ़ी रखी है तो हर जगह से रिजेक्ट कर, सारी सलाहियतों के बावजूद रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं। लेकिन एक बंदा वो डट जाए हक पर आने के बाद कि मैं हक पर हूँ, मैं प्रोपेगेंडों से मुतासिर नहीं होऊंगा, मैं तूफान का मुकाबला करूंगा। तूफानों का मुकाबला करने का नाम असल में इस्तकामत है। अल्लाह के नबी से कहा जा रहा है कि ये प्रोपेगेंडों की आंधियां जो चल रही हैं इनमें आपके कदम में तसलसल नहीं आना चाहिए, आपके कदम लड़खड़ाए ना, आप हक पर डटे रहे ये सोच करके कि ये मेरे रब की तरफ से है और मैं किसी में किसी शक नहीं करने वाला। यानी एक मसला ये भी था ना कि एक जो अहले किताब की जो जमात थी इनसे तो उम्मीद इस बात की जाती थी कि ये नबी को पहले मानेंगे, ये स्कॉलर्स थे अपने जमाने के, ये मुखालफत कर रहे थे। तो सवाल ये पैदा कि भाई अगर नबी को पहचानने वाले तो सबसे ज्यादा यही लोग हैं, तो जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं वो मुखालफत कर रहे हैं तो तुम कैसे हक पर हो सकते हो। अल्लाह तआला ने फरमाया हक स्कॉलर्स की तरफ से नहीं है उस जमाने के, यहूदो नसारा के पास हक नहीं है, हक वो है जो आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल हुआ है। तो आप ये मत देखिए कि दुनिया किस तरफ जा रही है, अहले किताब किस तरफ जा रहे हैं, अहले किताब के उलमा क्या बोल रहे हैं। आप ये देखिए आप पर जो वही नाजिल हुई है वो अल्लाह की तरफ से, तो हक वही है जो आपकी रब की तरफ से नाजिल हुआ है। फला तकुनन मिनल मुमतरीन, तो आप हरगिज हरगिज शक करने वालों में शामिल ना हो जाए। ये नहीं फरमाया कि शक मत करिए, ये फरमाया शक करने वालों में शामिल मत हो जाइए। यानी क्योंकि शक करने वाला सिर्फ ये नहीं करता कि वो शक अपने आप को नुकसान पहुंचाता है शक करके, बल्कि शक करने वाला जब शक करने वालों के साथ शामिल हो जाता है तो शक करने वालों के प्रोपेगेंडे का, उनकी साजिशों का हिस्सा बन जाता है और बातिल के हक के खिलाफ बातिल को ताकत फराहम करने लगता है, बातिल की जमात का हिस्सा बन करके बातिल को मजबूत करता है जब वो हक को छोड़ देता है। तो वो अकेले नुकसान खुद की जात को नहीं पहुंचाता, बल्कि वो उस जमात की कसरत को देख करके जो दूसरे लोग गुमराह हो रहे होते हैं उनकी गुमराही का सबब भी ये बन जाता है। क्योंकि ये अकेला इनकार नहीं कर रहा, बल्कि इनकार करने वालों के साथ शामिल होकर के उनके तादाद को बढ़ाने और उनकी कुव्वत में इजाफा करने का बाइस बन जाता है। तो अपनी जात पर तो जुल्म कर ही रहा है, उसको साथ साथ उन लोगों का भी गुनाह मिल रहा है जो कसरत तादाद की वजह से बातिल के गुमराह हो रहे हैं। तो ये नहीं फरमाया सिर्फ शक मत करिए, फरमाया शक करने वालों में शामिल होकर के उनकी कुव्वत में इजाफे का बाइस मत बनिए। अच्छा, इस आयत में बहुत अहम बात हमको ये भी पता चली कि किसी चीज के नामुमकिन होने के बावजूद भी उससे रोका जाता है, अहमियत बताने के लिए। ये मुमकिन नहीं था कि अल्लाह के नबी शक करते फिर भी उससे अल्लाह के नबी को रोका गया। और जो है हमको ये भी पता चला कि हक क्या है, जो रब की तरफ से आया है, बाकी जो भी अल्लाह की तरफ से नहीं आया वो हक नहीं है। जो लोगों ने अपने तौर पर गढ़ लिया, जो ख्वाहिशात और आरज़ुओं को लोगों ने दीन बना लिया है वो हक नहीं है, वो बातिल है। दीन वही है जो अल्लाह की तरफ से आया है, हक वही है जो अल्लाह की तरफ से आया है। तो कोई चीज़ वो जो अल्लाह की तरफ से ना आई हो वो दीन नहीं हो सकती। फरमाया वलिकुल्ली विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात अइनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीअन इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। फरमाया वलिकुल्ली विजहतुन, हर गिरोह की, हर किसी की, बल्कि इसके लिए ज्यादा मुनासिब लफ्ज जो है ना, हर वलिकुल्ली विजहतुन हुवा मुवल्लीहा, हर किसी की एक सिमत होती है। विजहा, वजह का मतलब होता है चेहरा, विजहा का मतलब होता है सिमत, डायरेक्शन। तो हर किसी का एक डायरेक्शन होता है, हुआ मुल्लीहा, जिसकी तरफ वो चेहरा करता है। वलिकुल्ली विजहतुन, हर किसी का एक डायरेक्शन होता है, स्पेसिफिक
डायरेक्शन होता है, एक वेरी स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है जिसकी तरफ वो चेहरा करता है। अब ये शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि विजहा वल जहा वल वज, यानी ये जो विजहा या जहा का लफ्ज होता है डायरेक्शन के माने में, ये वज से बना है ना, वज का मतलब होता है चेहरा, तो विजहा का मतलब होता है जिस तरफ चेहरा किया जाए। तो लोगों में से हर किसी का एक डायरेक्शन होता है जिसकी तरफ वो चेहरा करता है। शेख इब्न उसैमीन कहते हैं कि ये जो विजहा होता है ना वो दो तरह का होता है, एक होता है जहा हिस्सिया और एक होता है जहा मानविया। यानी एक डायरेक्शन तो होता है हिस्सी डायरेक्शन, टेंजिबल और इनटेंजिबल जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, कि एक चीज होती है हिस्सी तौर पे, जिस्मानी तौर पे एक डायरेक्शन, और एक होता है मानवी डायरेक्शन। तो एक तो मुराद ये है कि हर कौम का एक किबला होता है, यहाँ पे विजहा से मुराद किबला है, कि हर कौम का एक किबला होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जो किबला मुतय्यन किया है आप उस किबले की तरफ चेहरा करें। तो ये जो हमारा किबला है वो हमारे इत्तेहाद का मरकज है। हर कौम का एक किबला होता है और मुस्लिम एक कौम है, एक उम्मत है, और हमारा किबला क्या है? काबतुल्लाह। तो एक तो एक उम्मीद दिया जा रहा है कि काबा को अपना किबला बनाओ, क्योंकि हर कौम का किबला होता है और हमारे हमारा किबला काबा है। इसलिए किबला और काबा जो है वो हमारे इत्तेहाद का मरकज है। एक मुसलमान जब किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ता है तो गोया कि वो हमारे हमारी कौम का है उस पर, यानी वो मुसलमान कौम में शामिल है, मुसलमान उम्मत का एक फर्द है, उससे हमारा ईमान का रिश्ता बन जाता है। किबला कोई छोटी चीज़ नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है इस माने में बड़ी प्यारी कि मन सल्ला सलातना वस्तकबल किबलातना वाकल ज़बीहतना। एक मिनट हाँ, मैं देखिए अचानक मुझे ये हदीस याद आ गई। हाँ, ये सही बुखारी की रिवायत है कि मन सल्ला सलातना वस्तकबल किबलातना वाकल ज़बीहतना फज़ालिकुल मुस्लिम अल्लज़ी लहू ज़िम्मतुल्लाह व ज़िम्मतु रसूलिह फला तुग़फिरुल्लाह फी ज़िम्मतिही। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किबले की तरफ चेहरा करना हमारे दिन में कितना अहम है। अल्लाह ने फरमाया मन सल्ला सलातना, जो हमारी नमाज की तरह नमाज पढ़े, वस्तकबल क़िबलतना, और हमारे क़िबले की तरफ चेहरा करे, हमारे क़िबले का इस्तेक़बाल करे, इसको बाकायदा शर्त में शामिल रखा गया है। वह अकल ज़बीहतना, और हमारा ज़बीहा खाए, हमारे हाथों का ज़बह किया हुआ जानवर खाए, फ़ज़ालिकल मुस्लिम, तो ऐसा ही शख्स मुसलमान। यानी एक आदमी के मुसलमान होने की तीन अलामतें बयान की थी। मन सल्ला सलातना, हमारी तरह नमाज पढ़ता है, क्योंकि हमारी नमाज यहूद की नमाज से अलग है। यहूद भी नमाज पढ़ते थे, आप YouTube पर अगर सर्च करेंगे जो जियोस प्रेयर लिख करके, यहूद की नमाज लिख करके, तो आपको देखेंगे कि बहुत कुछ हमारी नमाज से मिलती भी, लेकिन हमारी नमाज से मुख्तलिफ उनकी नमाज है। लेकिन जो हमारी तरह नमाज पढ़े, हमारी नमाज पढ़े, वस्तकबल क़िबलतना, और हमारे क़िबले का इस्तक़बाल करे, हमारे क़िबले की तरफ चेहरा करे, वह अकल ज़बीहतना, और हमारा ज़बीहा खाए, हमारे यानी हमारे हाथ से ज़बह किया हुआ जानवर खाए, फ़ज़ालिकल मुस्लिम, तो वो शख्स मुसलमान है, लहू ज़िम्मतुल्लाह व ज़िम्मतु रसूली, उसका अल्लाह रब्बुल आलमीन भी, उसके अल्लाह का भी ज़िम्मा उसको हासिल है, रसूलुल्लाह का ज़िम्मा भी उसको हासिल है। यानी अब वो अल्लाह उसके रसूल के ज़िम्मे में आ गया है। आप अगर उसको कोई तकलीफ पहुँचाएंगे, उसको कत्ल करेंगे, उसकी जान पर हमला करेंगे, उसके माल पर हमला करेंगे, उसकी इज्जत पर हमला करेंगे, तो गोया कि आपने अल्लाह ताला के जिम्मे में खलल डाला, अल्लाह ताला की जिम्मेदारी में आपने खलल डाला, ऐसे शख्स को आपने नुकसान पहुंचाया जिसको अल्लाह उसके रसूल का जिम्मा हासिल है। तो किबला देखिए कितना अहम है कि हर कौम का हर कबीले का किबला है। फरमाया कि मुसलमानों का भी किबला है, तो लिहाजा तुम अपने किबले की तरफ चेहरा करो। लहू ज़िम्मतुल, ये फरमाया लिकुल्ली विजहतुन हुआ मुल्लिया, तो विजहा से एक मुराद जो जिस्मानी और हिस्सी किबला है, तो वो तो काबतुल्लाह है, लेकिन किबला का एक माना होता है हिस्सी किबला, यानी जिसको हम कह सकते हैं डायरेक्शन, जिसको हम कह सकते हैं कि हर आदमी की ज़िंदगी का एक मकसद होता है। तो हर इंसान की ज़िंदगी का एक मकसद होता है, एक डायरेक्शन होता है, गोल, आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं गोल, हर आदमी का एक गोल होता है जिसकी तरफ वो रुख किया होता है। तो एक तो होता है कि हर कौम का एक किबला है, उस किबले की तरफ आप चेहरा करें, क्योंकि आपका किबला अल्लाह ताला ने काबतुल्लाह को करार दिया है। और एक मुराद ये है कि लिकुल्ली विजहतुन हुआ मुवल्लीहा, हर इंसान की ज़िंदगी में एक गोल होता है, उसको जिस पर वो फोकस करता है, उसकी ज़िंदगी का एक सेंटर होता है, जिसके यानी सेंटर ऑफ लाइफ, जिसके गिर्द उसकी ज़िंदगी गुजरती है। तो इस माने में भी फस्तबिकुल खैरात, तो आप नेकी के कामों में आगे बढ़ने की कोशिश करें। यानी जो है हर इंसान जो है ना वो एक मकसद लेकर के ज़िंदगी गुजारता है अपनी, उसके एक उसका मकसद होता है जिस पर वो फोकस करता है।
इस एतबार से भी मर्द का मकसद होता है कि किसी का मकसद दुनिया होते हैं, किसी का मकसद दीन होता है। कोई दुनिया को जो है ना वो अपनी जिंदगी का मकसद बना लेता है, उसमें खूब मेहनत करता है, और दुनिया में भी कोई स्पेसिफिक गोल होता है। किसी को डॉक्टर बनना है तो वो अपना पूरा जोर जो है वो डॉक्टर बनने पे लगाता है, किसी को ताजिर बनना है तो उसकी जिंदगी जो है ना वो तिजारत ही की गिर्द घूम रही होती है। कोई तालिबे इल्म होता है तो वो इल्म ही को अपनी जिंदगी का फोकस बना लेता है और इल्म ही के लिए वो जीता और मरता है। और कोई जो है वो आखिरत उसका पेशे नजर होता है तो वो आखिरत ही के लिए जीता है और आखिरत ही के लिए अपनी जिंदगी गुजारता है। ऐसे ही पेशे भी होते हैं, हर आदमी का जो है ना वो एक पेशा होता है और अपने पेशे पर वो जो है उसका सारा फोकस जो है वो अपने पेशे पर होता है। तो फरमाया हर आदमी का एक फोकस गोल होता है जिस पर वो फोकस करता है। बिल्कुल विजहतुल हुआ मुलिता, यहाँ पे विजह से मुराद गोल भी हो सकता है कि हर आदमी की जिंदगी में गोल है और वो उसी के पीछे भाग रहे है ना। यानी ऐसा नहीं है कि उसके अलावा और कोई चीज जो है ना वो उसकी जिंदगी में नहीं होती, पर जो उसका विजह होता है वो उसकी मोस्ट प्रायोरिटी जो है ना वो वही उसका गोल होता है जो उसने अपनी जिंदगी में बनाई। यानी जैसे माँ है, बाज मरतबा माँ का गोल बस उसकी जो मोस्ट प्रायोरिटी जो है वो उसके बच्चे ही होते हैं, वो उसकी पूरी जिंदगी बच्चों की गिर्द घूमती है। बाप की पूरी जिंदगी अगर उसने अपने बच्चों को प्रायोरिटी बना लिया तो उसकी जिंदगी प्रायोरिटी जो है वो उसके बच्चे ही होते हैं। तो आपका गोल क्या है ये समझना बहुत जरूरी, कि आपने जिंदगी में किस चीज को गोल बनाया हुआ है। अब देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनका गोल जो है वो हराम चीजें होती हैं, फजूल की चीजें होती हैं, जिन्हें बाज लोगों की जिंदगी के मकसद बस गेम्स खेलने ही उनका गोल होता है, इंटरटेनमेंट ही बाज लोगों की जिंदगी का गोल है। हमारी जो जनरेशन है, नई जनरेशन, उनका तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उनकी जिंदगी का गोल है तफरी हासिल करना, इंटरटेनमेंट उनकी जिंदगी का मकसद बन गया है। और वो उनकी पूरी जिंदगी आप देखेंगे बस एक इंटरटेनमेंट और तफरी की तलाश में उनकी सारी जिंदगी गुजर रही हो। ये बहुत जरूरी कि आदमी ये देखे कि उसकी जिंदगी का गोल क्या है और अपने गोल को दुरुस्त करके अपने गोल पर फोकस करे। अहले ईमान की जिंदगी का गोल जो है ना ऐसा नहीं, विजहा से अलावा भी इंसान की चीजें होती जिनकी तरफ उसकी तवज्जो होती है, लेकिन प्रायोरिटी उसकी वो नहीं होती, प्रायोरिटी होती है उसका गोल। फरमाया हर आदमी का एक गोल है जो उसकी प्रायोरिटी में होता है, जिसको वो तरजीह देता है, जिसकी तरफ वो रुख करता है, हमेशा उसके पीछे लगा रहता है, उसके लिए जीता मरता है। बस तभी कुल खैरान। तो तुम्हारा गोल क्या होना चाहिए? तुम्हारा गोल होना चाहिए नेकियां, तुम्हारा गोल होना चाहिए खैर के काम, तुम्हारा गोल होना चाहिए आखिरत, तुम्हारा फोकस होना चाहिए आखिरत की जिंदगी पर। फस्तबिकुल खैरात, इस तबका का मतलब होता है रेस लगाना, दौड़ लगाना, किसी से मुसाबका करना जिसको हम कहते हैं ना, मुकाबला करना किसी चीज तक के पहुंचने के लिए, किसी चीज में पहुंचने के लिए। तो तुम खैरात में दौड़ लगा करके आगे बढ़ने की कोशिश करो सबसे। इस तबका में जो है ना वो मुकाबला का माना पाया जाता है। हाँ, जैसे वो सूरह यूसुफ क्या थे, नस्तबिक, कि हम लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कहा था उनके वालिद से कि हम गए थे रेस करने के लिए, दौड़ लगाने के लिए, मुकाबला कर रहे थे दौड़ का, और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ दिया था तो इसको भेड़िया खा गया। तो इस्तबाक में मुकाबले के माने आते हैं कि किसी चीज के में मुकाबला करना। तो तुम्हारा मुकाबला किस में होना चाहिए? खैरात मिलने के कामों। जैसे दुनिया में इंसान हराम कामों में भी मुकाबला करता है और मुबाह कामों में भी मुकाबला करता है। बहुत सारे लोग हैं गुनाह में एक दूसरे से मुकाबला कर रहे होते हैं। हाँ, टिकटॉक पर जो है वो अपना अकाउंट बना लिया है और फहस से फहस वीडियो डाल करके मुकाबला कर रहे हैं कि हमारे व्यूज और हमारे सब्सक्राइबर सबसे आगे बढ़ जाए। ये क्या है? हराम काम में मुकाबला है। दुनिया में मुबाह है, दुनिया कमाना मुबाह है, बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ मुकाबला है। हर आदमी जो है वो एक रेस चल रही है और हर आदमी उस रेस में शामिल है दुनिया कमाने की। हाँ, जो फर्स्ट नंबर पे भी है दुनिया में माल के एतबार से, वो भी मुकाबले में लगा हुआ है कि अगर थोड़ा सा मुझसे ढील हो गई तो मैं सेकंड पर ना जाऊं। जो सेकंड पर है वो फर्स्ट पर आने की कोशिश में लगा हुआ है। हर आदमी माल के मुकाबले में, माल के मामले में मुकाबले पर लगा हुआ है। मुकाबला किस में होना चाहिए? फस्तबिकुल खैरात, नेकियों के काम में मुकाबला होना चाहिए। अच्छा, एक बड़ा अरबी में एक बड़ा बलीग जुमला ये बनता है, इसमें एक बलागत का एक नुक्ता पाया जाता है। इस तबका का जो सिला आता है ना आमतौर पर वो इला आता है। तो असलन अरबी में अगर इसको इस्तेमाल करना था तो कहना चाहिए था फस्तबिकु इलल खैरात, फस्तबिकु इलल खैरात, इला आना चाहिए था, क्योंकि इस तबका जो है वो हमेशा उस इला का सिला उसके साथ ही आता है। पर यहाँ पे फस्तबिकु इलल खैरात नहीं कहा, बल्कि फस्तबिकुल खैरात कहा। यानी बजाय इसके कि इला के जरिए से इसको शामिल करते, मुतादी करते, डायरेक्ट खैरात को जो है ना इसका मफूल बना दिया गया। तो इसको तजमीन कहते हैं अरबी में। इससे पहले भी बाज़ मिसालें मैं दे चुका हूँ कि
सिला तब्दील करने से या सिला को हजफ करने से या सिला दूसरा लाने से क्या होता है, एक फेल के अंदर दो फेल के माने पाए जाते हैं, एक फेल में दो फेल के माने, यानी एक फेल बोल करके उसमें दूसरे फेल का माना पैदा कर देना, इसको कहते हैं तदमीन। जो अरबी लैंग्वेज के स्टूडेंट होंगे वो इन्होंने तदमीन की बहस पढ़ी होगी बलागत में खास तौर पे। तो फस्तबिकुल खैरात, फस्तबिकु इलल खैरात कहने के बजाय फस्तबिकुल खैरात कह करके इस तबका में दो माने पैदा कर दिए। एक माना मुकाबले का पैदा किया कि खैर के कामों में मुकाबला करो एक दूसरे से, एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की कोशिश करो। और इस तबका में एक माना फ़ालुल खैरात का भी आ गया कि खैर का काम करो। असल में फस्तबिकु इलल खैरात अगर कहते ना तो इसमें माना ये पैदा होता कि खैर तक पहुंचने में मुकाबला करो, खैर तक, जैसे एक आपकी लाइन होती है ना फिनिश लाइन, तो आपको मुकाबला कब तक करना होता है, जब आप फिनिश लाइन तक पहुंच जाए। एक मरतबा फिनिश लाइन पे पहुंच गए, मुकाबला खत्म। तो फस्तबिकु इलल खैरात अगर कहते तो उसका मान, उसमें ये माना पाया जाता है कि तुमको खैर तक पहुंचने में कोशिश करना है, मुकाबला करना है, पर एक दर्जे में खैर के पहुंच गए, अब मुकाबला खत्म हो गया। फस्तबिकुल खैरात में क्या माना पैदा हो गए कि तुमको खैर के काम में कहीं पर जाकर के रुकना नहीं, क्योंकि इला में इंतहा के माने पाए जाते हैं ना, तो ये इला हटा करके क्या है, इंतहा के माने खत्म कर दिए गए कि तुमको मुसलसल खैर में मुकाबला करते ही रहना है, कहीं पर ठहरना नहीं है, जिंदगी के आखिरी लम्हात तक, आखिरी सांस तक के मुकाबला जारी रहना चाहिए, लगे रहो हर नेकी के काम में, आगे बढ़कर की कोशिश करो, नमाजें पढ़ रहे हो पहली सफ में रहो, रोजे रखने वाले हो फर्ज रोजे तो रखने हैं, नफली रोजे भी रखो, जुमेरात की भी रोजे रख रहे हो, सोमवार की भी रोजे रख रहे हो, अय्याम बीज में भी रोजे रख रहे हो, सदकात और खैरात करना है, हर किसी से आगे रहो सदकात और खैरात करने में। यानी जो एक अल्लाह ताला के बंदे होंगे ना कयामत के दिन, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मुकर्रबीन में फरमाएगा, तो वो कौन होंगे, साबिकीन, हर काम में आगे बढ़ के रहने वाले। कुछ लोग ऐसे होते हैं मुस्लिम माशरे के अंदर, एक तो भाई एक नॉर्मल दीनदार लोग होते हैं, हाँ, और साबिकून साबिकून जिनको सूरह वाकया में कहा गया कि हर चीज में आगे, हर चीज में आगे, नमाज की बात आ रही है सबसे पहले सब में रहते हैं, रोजे की बात आ रही है नफली रोजे भी रखते हैं फर्ज के साथ साथ, सदका तो खैरात की बात आ रही है उनकी अता में ये और सखावत में हमेशा आगे आगे रहते हैं, हर हमेशा बांटते रहते हैं, अखलाक की बात आ रही है आला तरीन अखलाक के लोग हैं, मामला की बात आ रही है इत्तेहा दर्जे में ईमानदार हैं, ये आला दर्जे के साबिकीन, बस साबिकून साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, ये जो आगे रहने वाले लोग हैं ना ये अल्लाह ताला के मुकर्रब लोग हैं, अल्लाह के करीबी लोग हैं। जैसे ये हदीस है ना कि इतनी बात अल्लाह के नबी हमने पूछी थी कि आज जो है वो मरीज की आदत किसने की, जनाजे की नमाज किसने पढ़ी, आज रोजे से कौन है, इस तरह की कुछ बातें मुझे वो सारे आमाल नहीं याद आ रहे। तो कौन था उसमें जिसने हर काम के बारे में कहा कि अल्लाह आज मैंने किया है, मरीज की आदत भी की, जनाजे की नमाज भी पढ़ी है, रोजा भी रखा होगा, कौन थे वो, हाँ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला, सही जवाब है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला, जो हर किसी हर जो है वो हर काम में आगे। तो ये शरीयत में अहले ईमान से ये मतलूब है, आगे बढ़ो हर काम में, किसी मसले में, यानी वो जो एक इस तरह के लोग होते हैं ना बस काम चलाओ दीनदारी, नहीं वो नहीं होना चाहिए, मिनिमम गॉय जिसको कहते हैं ना, बस एक मिनिमम कर लो, बस इतना ही मिनिमम दीनदारी, नहीं मैक्सिमम की कोशिश करो। दीन के मामले में अल्लाह ताला ने दुनिया के मामले में हमसे कहा है किफायत शुआर, बस जितना जरूरत है उतना मिल जाए काफी है, दुनिया में किफायत शुआर होना चाहिए बंदे को, किफायत बस इतना काफी है, काफी भर काम करना, मिनिमम काम करना, दुनिया में मिनिमम की आरजू रखनी चाहिए कि भाई इतनी मेरी जरूरत है इतना मुझे मिल जाए मेरे लिए अच्छा है, जितना कम मुझे मिलेगा उतना कम हिसाब देना पड़ेगा, दुनिया में किफायत का मिजाज होना चाहिए कि मिनिमम जो मेरी जरूरत है मुझे मिल जाए। अल्लाह ने फरमाया कि आदमी जो है माल की किल्लत को पसंद नहीं करता, हालांकि माल की किल्लत उसके लिए हिसाब की आसानी का सबब होती है, कयामत के दिन उसका हिसाब आसान हो जाएगा। लेकिन दीन के मामले में हमसे कहा गया मैक्सिमम कितना कर सकते हो, अपनी जो एफर्ट्स होते हैं उनका जो आखिरी हद है उस आखिरी हद तक करके जाओ, नमाज में भी रोजे में भी। तो हमारा उल्टा मामला है, हम दुनिया में मिनिमम नहीं चाहते, दुनिया में हम हमारा पेट ही नहीं भरता, लेकिन फरमाया कि अगर दो सोने के पहाड़ हो तो तीसरे की तमन्ना करेंगे, एक हो तो दो की तमन्ना करेंगे, दुनिया में हमारा पेट ही नहीं भरता, और आखिरत में हम बस एक मिनिमम इबादत पे इक्तफा करते हैं, फर्ज पढ़ लो नफिल भी नहीं पढ़ना है, फर्ज होते रख लो नफिल की तरफ भी तवज्जो नहीं देना है, असकार नहीं पढ़ने, मानी ये दीनदार लोगों की बात कर रहा हूँ, जो बेदीन आदमी है वो तो फराइज भी तवज्जो नहीं देता, पर दीनदार आदमी भी उसका मिजाज दीन के अंदर ना किफायत शुआरी वाला हो जाता है, नहीं दीन के मामले में ना हो किफायत शुआर गुलची, इसी से कायम है शान तेरी, वफूर गुल हो अगर चमन में तो और दामन दराज हो जाओ।
ना हो किफायत शियार गुलची, शियार है वो लफ्ज़ की, और ना हो किफायत शियार गुलची, यानी गुलों के चुनने वाले, अल्लाह इकबाल फरमाते हैं गुलों के चुनने वाले, तुमको किफायत का मिजाज नहीं बनाना चाहिए। इसी से कायम है शान तेरी, वफूर गुल हो अगर चमन में तो और दामन दराज होगा। अगर चमन में फूलों का कसरत है तो तुमको अपने दामन को बड़ा कर लेना चाहिए। तो खैर के मामले में एक दूसरे से आगे बढ़ जाने का, ये हसद नहीं है। हसद क्या होता है? हसद ये होता है कि आप अपने सामने वाले के लिए तमन्ना करते हैं कि उसको जो खैर मिला है उससे छीन लिया जाए, ये हसद है। शरीयत में जब खैर की तरफ मुकाबले का हुक्म दिया जाता है तो ये मकसद नहीं होता है कि फलाना नमाज नहीं पढ़ रहा है तो आप सोचें वो नमाज ना पढ़े तो मैं उसके बराबर आ जाऊँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उससे ज्यादा नमाज पढ़े। सहाबा में यही मामला था ना, आप देखिए मुस्तकिल अंसार जो है वो सदका तो खैरात करते थे क्योंकि वो पैसे वाले थे, महाजरीन बेचारे गरीब थे, लूट पिट करके मदीना आए थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था। तो जो एक सालेह दीनदार मुआशरा होता है ना उसमें आदमी दीन के मुसाबिका का मिजाज बन जाता है। तो महाजरीन आकर के अल्लाह के रसूल से कह रहे हैं अल्लाह के रसूल अंसार को तो ये सवाब मिल रहा है, पैसे वाले हमारे पास, हम तो सब लूट पीट करके आए हैं तो हम तो कुछ खर्च नहीं कर पा रहे। तो अल्लाह ने उनको एक वजीफा बता दिया, बाद में अंसार भी वजीफा पढ़ने लगे तो अल्लाह ने फिर आगे कहा कि अब तो अंसार इसमें भी आगे हो गए, हमसे बराबरी कर ली। तो फरमाया लाली का फजलुल्लाह यूती ही मैया, शायद अल्लाह का फजल अल्लाह जिसको चाहते थे। हजरत बकर हजरत उमर मुस्तकिल जो है वो कोशिश में लगे हुए, हजरत उमर की मैं हजरत अबू बकर से नहीं कि मैं आगे हो जाऊँ, देखी में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना, ये एक शरीयत का मिजाज होता है। एक सौले माशरे में ये मिजाज पाया जाता है। दीनदार माशरे का ही जैसे बेदीन माशरे का मिजाज होता है कि लोग गुनाह में और फजूल कामों में, लायानी कामों में दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, दीनदार माशरे में खैर में मुसाबिके का जज्बा पाया जाता है। तो फस्तबिकुल खैरात, तुम खैर के काम में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। अइनमा तकूनू याती बिकुमुल्लाहु जमीअन, फरमाया जा रहा है कि तुम जहां भी रहोगे अल्लाह तुम सबको जमा करेगा। जो भी काम कर लो, जहां पे भी चले जाओ, अल्लाह ताला की पकड़ से नहीं बच सकते। अल्लाह ताला बहरहाल तुम सबको एक साथ जमा कर लेगा। इन्नल्लाहा अला कुल्ली शयइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह ताला की कुदरत से बाहर हो, कोई चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत से बाहर हो। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, कुछ भी कर सकता है वो। मैं जरा सा यहाँ पे ये जो इन्नल्लाहा अला कुल्ली शयइन कदीर कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर आता है, इस पर एक अहम नोट जो है ना वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। असल में इस मामले में जो है एक गलती बाज एक स्कॉलर्स ने की है और हम में से बहुत सारे लोग भी वो गलती करते हैं, तो उसकी उस पर तंबीह करना जरा मैं जरूरी समझता हूँ। पहले हम ये समझे, इन्नल्लाहा अला कुल्ली शयइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, इसका माना ये होता है कि अल्लाह हर सब कुछ कर सकता है। अब एक सवाल जो है ना, पहले हम ये देख लेते हैं कि मसला कहाँ पैदा होता है। एक सवाल अक्सर जो है ना वो इस तरह का किया जाता है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है, खासतौर पे जो मुल्हिदीन होते हैं एथियस्ट, वो लोग ये सवाल करते हैं तो क्या अल्लाह ताला ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको कुत्ता उठा सके। जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है तो बहुत सारे एथियस्ट आज के ज़माने के नहीं पुराने ज़माने से जो मुल्हिदीन हैं वो ये सवाल करते हुए आए कि क्या अल्लाह ताला ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो खुद ना उठा सके, क्या अल्लाह ताला ऐसा इंसान पैदा कर सकता है जो छोटा भी हो और बड़ा भी हो, क्या अल्लाह ताला ऐसा दायरा बना सकता है जो स्क्वायर भी हो, क्या अल्लाह ताला बैक वक्त कोई ऐसी चीज पैदा कर सकता है जो बैक वक्त साकिन भी हो यानी ठहरी हुई भी हो और मुतहरिक भी हो, और क्या अल्लाह ताला कोई ऐसी चीज पैदा कर सकता है जिसको खुद तबाह ना कर सके। इस तरह के सवाल आमतौर पर किए जाते हैं मुल्हिदीन की तरफ से, और उनका क्या इतराज, उनका मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि देखो मुसलमानों के पास इस सवाल का जवाब है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस सवाल का जवाब हाँ में दें या ना में दें दोनों सूरतों में अल्लाह ताला के लिए अज्ज साबित हो जाता है। यानी क्या अल्लाह ताला ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो खुद ना उठा सके, अगर आप बोलेंगे कि अल्लाह ताला ऐसा पत्थर बना सकता है तो भी अज्ज साबित हो जाएगा क्योंकि उसको उठा नहीं सकता फिर, और अगर आप ये कहते कि अल्लाह ताला नहीं बना सकता है तो बनाने में अज्ज साबित हो जाएगा, या तो उठाने में अज्ज साबित होगा या तो अज्ज यानी नामुमकिन होना, अल्लाह ताला के लिए पॉसिबल ना होना। तो क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है, कुदरत का जिद क्या आती है अज्ज, ना गैर कादिर होना, अल्लाह ताला गैर कादिर है। तो अगर इस सवाल का जवाब आप हाँ में दें या ना में दें दोनों सूरतों में अल्लाह के लिए अज्ज साबित हो जाता है। और ये जो है ना एतराज अक्सर मुल्हिदीन करते हैं और एथियस्ट करते हैं कि अल्लाह ताला क्या ऐसा पत्थर बना सकता है जो वो खुद ना उठा सके। इसको समझने के लिए असल में ये बड़ी लंबी बहस है, समझ में आएगी मैं कौन सी चीज आपके सामने रखूँ। पहली बात आप ये समझें कि ये जो सवाल है ना, इस सवाल का सीधा सीधा जवाब यह है कि ये सवाल गलत है। इस सवाल का जवाब नहीं, हर सवाल का जवाब नहीं दिया जाता, हर सवाल का जवाब हाँ और ना में नहीं दिया जा सकता। कुछ सवालात होते हैं जो गलत ही होते हैं,
तो उनका जवाब चाहे आप हाँ में दें या ना में दें, वो सवाल बेहद गलत रहेगा। जैसे कोई आपसे पूछ ले कि क्या आपने अपने अब्बा को मारना छोड़ दिया, हाँ क्या आपने अपने अब्बा को मारना छोड़ दिया, तो अब आप उसका जवाब हाँ में देंगे। अब अगर आप अपने अब्बा को मारते ही नहीं थे तो अगर आप उसका जवाब हाँ में दे दें तो भी गलत है, और आप उसका जवाब ना में दे दें तो भी गलत है। तो कुछ सवाल गलत होते हैं और उनका जवाब यही होता है कि ये सवाल ही फी नफ्सी ही गलत है। क्यों? क्योंकि ये सवाल इसलिए गलत है क्योंकि इसमें दो इज्तिमाए जिद्दैन, एक अरबी में इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, इज्तिमाए नकीज़ैन, दो कॉन्ट्रोडिक्टरी चीजें आपस में जमा हो गई। तो दो मुतजाद चीजें, दो अपोजिट चीजें एक साथ जमा नहीं हो सकती। अगर कहीं पर दो अपोजिट चीजों को एक साथ जमा किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये महाल हो जाएगा, ये नामुमकिन। ऐसी चीज कोई वजूद ही नहीं रखती, यानी कोई ऐसी चीज, जैसे मसलन ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला कोई ऐसी चीज पैदा कर सकता है जो मुतहरिक भी हो और साकिन भी हो, जो हिल भी रही हो और एक जगह साकिन भी हो, तो जाहिर सी बात है चीज या तो मुतहरिक होगी या तो साकिन होगी। ऐसी चीज जो मुतहरिक भी हो और साकिन भी हो वो पाई ही नहीं जाती, अखलन वो महाल है, वो चीज महाल है, नामुमकिन है, वो पाई ही नहीं जाती। जो चीज पाई नहीं जाती वो थिंग ही नहीं है, कोई वो चीज ही नहीं है। तो लिहाजा उस कुदरत, उस मामले में कुदरत को भी सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आसान सा जवाब इसका क्या है कि ये चीज महाल है। क्यों? क्योंकि ये चीज कोई चीज ही नहीं है। ये इसको यानी कोई ऐसा पत्थर अल्लाह ताला बना सकता है जो उठा ना सके वो, ये क्या है, दो मुतजाद चीजों को आपस में जोड़ देना है। तो ये सवाल ही गलत है, यानी इस सवाल का सही जवाब ये है कि ये सवाल गलत है। देखिए महाल जो है ना वो दो तरह का होता है, एक होता है महाले आदि और एक होता है महाले दादी। महाले आदि का मतलब क्या होता है, महाले आदि का मतलब होता है ऐसी चीज जो आदतन मुमकिन नहीं है, यानी नॉर्मली वो काम नहीं होता, नॉर्मली वो चीज होती नहीं है, महाल है। तो अल्लाह ताला के लिए महाल आदि करना मुमकिन, अल्लाह ताला यानी ऐसी चीज जो अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो आदतन होती ही नहीं है, जैसे मसलन पानी का पहाड़ नहीं बन सकता, आदतन महाल है कि पानी का पहाड़ बन जाए, ना मुमकिन है कि पानी का पहाड़ बन जाए, तो अल्लाह ताला पानी का पहाड़ बना सकता है। आदतन जो है वो आग गुलजार नहीं बन सकती, आग ठंडी नहीं बन सकती, आग में डालो तो आग की खासियत ये कि वो जलाती है। हज़रत इब्राहिम के ज़माने में अल्लाह ताला ने क्या किया, आपको ठंडा कर दिया, गुलजार बना दिया। तो और एक होता है महाले जाती की, दो सीट आपस में एक दूसरे के साथ जमा हो जाए, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ जैसे जो है वो इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह का एक कौल है जो मैंने यहाँ पे जिक्र किया है, फरमा रहे हैं वल अम्मा अहलु सुन्ना, अहले सुन्नत का अकीदा ये है, फइंदहुम उनका ये अकीदा है, अन्नल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, वह कुल्लु मुमकिनिन फहुवा मुंदरिजुन फी हाजा, और हर वो चीज जो मुमकिन है वो इसके अंदर है, यानी हर वो चीज जो मुमकिन है अल्लाह ताला उस पर कादिर है। वह अम्मल महालु ज़ाती, रहा मामला महाले ज़ाती का, मसलु कौनि शैइ अल वाहिद मौजूदन व मअदूमन, मसलन एक चीज जो मौजूद भी हो और मअदूम भी हो, एग्जिस्ट भी करती है और नॉन एग्जिस्ट भी है, फहादा ला हकीकत ला, ऐसी चीज की कोई हकीकत ही नहीं है, ला युतसव्वर वजूदुहु, उसका मौजूद होना तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता, वला युसम्मा शैअन, बल्कि इसको शय भी नहीं कहा जाएगा, बे इत्तेफाकिल उकला, इस पर तमाम उकला का इत्तेफाक है, मिन व मिन हादल बाब फल का फल को मिस्ल नफ्सिही व अम्सालु ज़ालिक, तो इन्हीं में से है कि कोई आदमी पूछे अल्लाह ताला अपने मिस्ल किसी को पैदा कर सकता है, इस तरह के जो सवाल होते हैं ये कोई चीज ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये महाल चीजों में से महाली जाती, इसको चीज ही नहीं कहा जाएगा। तो अल्लाह ताला के बारे में ऐसी चीजों का सवाल ही नहीं किया जाए कि अल्लाह ताला इस पे कुदरत रखता है कि नहीं रखता है, क्योंकि कोई चीज ही नहीं है। तो इसके बारे में जब वो कोई लाशय है, कोई शय ही नहीं है, वो कोई थिंग ही नहीं है, तो उसके बारे में सवाल ही नहीं किया जा सकता कि अल्लाह ताला उसकी कुदरत रखता है कि नहीं रखता है। कोई चीज होगी तो उसके बारे में सवाल होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो चीज जो चीज ही नहीं है उसके बारे में सवाल ही नहीं किया जाएगा, अल्लाह ताला उसकी कुदरत रखता है कि नहीं रखता है। इमाम जो है इमाम इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह उन्होंने भी बात फरमाई, वल जम्उ बैन दिद्दैन महालुन, और दो अज़दाद जो दो अपोजिट चीज़ों के दरमियान जमा करना ये महाल है, नामुमकिन है, वला युकाल तो नहीं कहा जाएगा, फ़ियल्ज़िमुल अज़्ज़ु, कि अगर हम ये कह देंगे कि दो जमा वाली चीज़ अल्लाह ताला नहीं कर सकता है, फ़ियल्ज़िमुल अज़्ज़ु, तो ये नहीं कहा जाएगा कि अल्लाह ताला इससे आजिज़ है, लिअन्नल महाल लैसा बिशय, क्योंकि महाल जो होता है वो कुछ होता ही नहीं, फला तताल्लुक़ु बिल क़ुदरा, तो इससे कुदरत का ताल्लुक ही नहीं होता, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह ताला यकीनन हर चीज़ पर क़ादिर है, जो भी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन जो भी चीज मुमकिन है अल्लाह ताला उस पर कादिर है। बहरहाल तो अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, अगर कोई ऐसा सवाल करे कि फलां चीज पे अल्लाह कादिर है कि नहीं कादिर है, तो उसका सीधा साधा जवाब ये होगा कि आपने जो सवाल किया है ये सवाल महाल है,
ये कोई चीज ही नहीं होती है, लिहाजा अल्लाह ताला के बारे में ऐसा सवाल करना ही गलत है। ये सबसे आसान सा जवाब है। मैं ये इसलिए वजाहत कर रहा हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का एक वीडियो मैंने देखा और उनके अलावा भी उस बयानिया के बाद बहुत सारे लोगों बयान करते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर नहीं है। वो बाकायदा कहते हैं कि एक जुमला उनका मैंने देखा कि आई कैन लिस्ट अ थाउजेंड थिंग्स दैट अल्लाह कैन नॉट डू, मैं 1000 चीज़ें ऐसी बयान कर सकता हूँ जो अल्लाह ताला नहीं कर सकता। और ये अल्लाह की शान में ना एक बहुत सरी गुस्ताखी है ये, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ अज्ज की नस्बत करना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है कुछ चीज़ों के करने पर कादिर नहीं है, और ये बहुत खतरनाक बात है। अल्लाह ताला किसी भी चीज़ के बारे में बोलना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फला फला चीज़ करने पर कादिर नहीं है, ये अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी है। अल्लाह ताला हर चीज़ करने पर कादिर है। रहा मामला ऐसा पत्थर बनाना जिसको अल्लाह उठा ना सकता हो, तो वो थिंग है ही नहीं सिरे से, क्योंकि वो चीज़ पा ही नहीं जाती, उसका वजूद ही नहीं है। थिंग कहा जाता है वो चीज़ जिसका जो मौजूद हो, जो अल्लाह ऐसा पत्थर जिसको अल्लाह उठा ना सकता वो थिंग नहीं है, क्योंकि वो दो जिद्दों को जमा कर दिया गया, तो वो क्योंकि थिंग नहीं है तो अल्लाह ताला के बारे में ये कहना कि अल्लाह फला काम नहीं कर सकता, ये अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी है। और वो बार बार जो है ना वो एक बात कहते हैं कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये नहीं होता कि ही कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग। वो अपने वीडियो में कहते हैं कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर का मतलब ये नहीं होता कि ही कैन डू एवरीथिंग, बल्कि इसका मतलब होता है ही हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स, कि उसको हर काम करने पर कुदरत है। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला के बारे में ये कहना ही कैन डू एवरीथिंग ये गलत है, बल्कि ये कहना चाहिए ही हैज पावर ओवर ऑल थिंग। हालांकि दोनों बातों में आप देखिए कोई फर्क नहीं है, और ना ये फर्क करने से कोई जो है एतराज का जवाब मिलता है। अगर कोई ये सवाल करे कि अल्लाह ताला ऐसा पत्थर बना सकता है कि नहीं बना सकता है जिसको वो उठा नहीं सकता, तो वो कहते हैं कि ये नहीं कहना चाहिए अल्लाह ताला हर काम कर सकता है, बल्कि कहना चाहिए अल्लाह ताला हर चीज़ का पावर रखता है, हर काम करने की ताकत रखता है। पर आप देखें तो फिर सवाल ये भी पैदा होगा कि अल्लाह ताला कोई ऐसा पत्थर बनाने की ताकत रखता है जिसको वो ना उठा सके, तो इतराज़ तो अपनी जगह पर बाकी रहेगा। आप इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर का तर्जमा चाहे कैन डू एवरीथिंग करें या ही हैज पावर ओवर ऑल थिंग्स करें, दोनों सूरतों में इतराज़ तो अपनी जगह पर बाकी रहेगा। तो वो कहते हैं कि ये बात कहना गलत है कि अल्लाह ताला हर चीज़ कर सकता है, वो कहते हैं कि कहना चाहिए ही कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, कि अल्लाह ताला जो चाहता है वो कर सकता है। ये नहीं कहना, वो बाकायदा इसको, वो उनकी वीडियो है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे अल्फाज लिख करके तो मिल जाएंगे। वो कहते हैं कि ये नहीं कहना चाहिए ही कैन डू एवरीथिंग, बल्कि कहना चाहिए ही कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, कि अल्लाह ताला जो चाहता है वो कर सकता है। यानी ये कह रहे हैं कि हर चीज़ अल्लाह कर सकता है, ये नहीं कहना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए अल्लाह जो चाहता है वो कर सकता है। इस पर मैं चाहता हूँ ना कि आप ये इस पर बड़ा अच्छा रद जो है वो शेख इब्न उसैमीन ने अपनी तफसीर में किया है। वो कहते हैं हुना का कलिमतुन यकूलुहा बादुन नास, यहाँ पर एक कलिमा ऐसा भी है जो कुछ लोग कहते हैं इन्नल्लाह अला मा यशा उ कदीर, वही बात जो डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं ना कि ही कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू और वॉट एवर ही इंटेंट्स टू डू। कहते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला जो चाहता है वो करने पर कादिर है। तो शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं अल्लाह ताला जो चाहता है वो करने पर कादिर है, हाजा ला यंबगी, ये जुमला कहना मुनासिब नहीं। अवलन पहला لانه خلاف اطلاق النص والنص مطلق, क्योंकि ये कुरान की जो आयत है उस आयत के खिलाफ है। आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई कैद नहीं लगाई, अल्लाह ने मुतलक कहा है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अल्लाह जो चाहता है उसके करने पर कादिर है, बल्कि अल्लाह ने मुतलक कहा है कि हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला वो काम भी करने पे कादिर है जो अल्लाह ताला चाहता है, जो काम अल्लाह ने नहीं चाहा है अल्लाह ताला वो करने पे भी कादिर है। जब हम ये कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जो चाहता है वो करने पर कादिर है, तो उसका एक अपोजिट माना ये भी निकल जाता है कि जो चीज अल्लाह नहीं चाहता वो करने पर अल्लाह कादिर नहीं। तो ये क्या होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत को महदूद कर देना होता है कि अल्लाह ताला वही कर सकता है जो अल्लाह चाहता है, जो अल्लाह नहीं चाहता वो अल्लाह नहीं कर सकता। हालांकि ये बात गलत है, अल्लाह ताला ने जो चाहा वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कर ही सकता है, जो अल्लाह नहीं चाहता है वो भी अल्लाह ताला कर सकता है, कुदरत में है उसके गरचे वो ना करे उसको। तो फरमा रहे हैं कि इससे क्या होता है कि आप अल्लाह ताला की कुदरत को महदूद कर देते हैं। नस के अंदर अल्लाह ताला की कुदरत को महदूद नहीं किया गया कि अल्लाह ताला वही कर सकता है जो अल्लाह चाहता है, बल्कि नस तो आम है, उसमें ये बताया गया है कि अल्लाह ताला हर चीज कर सकता है। तो जब अल्लाह के बारे में फरमाया गया कि अल्लाह सब कुछ कर सकता है, तो हम ये क्यों कहें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहता है वही कर सकता है। दूसरी बात वही उन्होंने कही कि लिअन्नहु क़द युफ़हम मिन्हु तफ़सीसुल क़ुदरा बिमा यशाउल्लाह, क्योंकि इससे ये समझ में आता है कि अल्लाह ताला की कुदरत बस उन्हीं चीज़ों के अंदर चलती है जिनमें अल्लाह की मशीयत हो, दू ना मालम यशा, और जो चीज़ें अल्लाह ताला नहीं चाहता वो अल्लाह ताला की कुदरत से बाहर है। वल्लाहु क़ादिरुन अला मा यशा व अला मा ला यशा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर भी कादिर है जो अल्लाह चाहता है, और अल्लाह उस पर भी कादिर है जो अल्लाह नहीं चाहता। आप देखिए उसकी मिसाल भी है कुरान मजीद के अंदर, अल्लाह ताला ने फरमाया कुल हुवल क़ादिरु अला यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम
او يلبسكم شيعا ويزيك بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ تم پر عذاب بھیج کر کے تم کو ہلاک کر دے, اوپر سے عذاب بھیجے, نیچے سے عذاب بھیجے, تم کو ٹکڑوں میں بانٹ دے اور بعض کو بعض کے اوپر مقابلہ دے کر کے بعض کو بعض کے ظلم سے اور ان کی طاقت سے ان کو ہلاک کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتا ہے, اس پر قادر ہے. گرچہ اللہ تعالیٰ نے تم پر عذاب نہیں بھیجا, تمہارے نیچے سے عذاب نہیں آیا, تم کو ٹکڑوں میں بانٹ کر کے تم کو ایک دوسرے سے جنگ میں مبتلا نہیں کر دیا, اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر سکتا تھا, اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا, لیکن اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. تو جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی کر سکتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا, جو اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا, وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے بھی کرنے پر قادر. اور انہوں نے شیخ ابن سیمین فرماتے ہیں کہ تیسری وجہ اس جملے کے غلط ہونے کی یہ بھی ہے کہ یہ اس سے معتزلہ اور قدریہ, جو تقدیر کا انکار کرنے والے لوگ ہیں, ان کے مذہب کی تائید ہوتی ہے. کیونکہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ بندے جو افعال کر رہے ہیں اللہ رب العالمین وہ چاہتا نہیں ہے, بندے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مقابلے میں جا کر کے اللہ کی مشیت کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان بندوں کو روکنے پر قادر نہیں ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی طاقت میں نہیں کہ جیسے جو کفر کر رہا ہے وہ کہنے کفر کرنے والے کو کفر سے روکنے پر اللہ قادر نہیں ہے. معتزلہ کا عقیدہ ہے, یہ تقدیر کا انکار کرنے والے قدریہ کا عقیدہ ہے. تو اس جملے سے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کر سکتا ہے, اس سے گویا کہ ایک پیغام یہ جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو نہیں چاہتا اس کے کرنے پر وہ قادر نہیں ہے. جیسے اللہ رب العالمین بندوں کے اعمال کو روکنے پر, کفر کو, ان کے گناہ کو روکنے پر, ان کے اعمال پر قادر نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ بندے جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ اپنے اختیار سے کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو روکنے پر قادر نہیں ہے. تقدیر کی بحث الگ. تو بہرحال ان اللہ علی کل شیء قدیر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. اور جو ایسے سوالات آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں چیز پیدا کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ خود, یا اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز پیدا کر سکتا ہے جس کو اللہ خود تباہ نہ کر سکے, ایسے سوالوں کا جواب ہم کو یہ نہیں دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں فلاں کام نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے. نفی میں کبھی بھی ایک صفات کی بڑی لمبی بحث ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے تو اس میں ڈیٹیلنگ نہیں جایا جاتا ہے, جب اس بات کیا جاتا ہے تو تفصیل سے اس بات کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اور ایسے جو سوالات کیے جاتے ہیں ان کا صحیح جواب یہ ہے کہ یہ سوال غلط ہے. یہ سوال اس لیے غلط ہے کیونکہ اس میں دو متضاد چیزیں آپس میں جمع ہو گئی ہیں, اور دو متضاد چیزیں جب آپس میں جمع ہوتی ہیں تو یہ محال ذاتی ہیں, اور محال ذاتی کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا, تو وہ نتھنگ ہے, وہ کچھ ہے ہی نہیں, نتھنگ ہے, وہ جو میں کہہ رہا ہوں معدوم ہے, وہ نتھنگ ہے. تو ان سے قدرت کا کوئی تعلق ہی نہیں, نتھنگ سے قدرت کا کوئی تعلق نہیں ہے, تھنگ سے قدرت کا تعلق ہے, اور جو بھی چیزیں تھنگس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. یہ آسان سا جواب ہے. تو ہر سوال کا جواب ہاں یا نا میں نہیں ہوتا, اور یوں کہنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اتنے کام نہیں کر سکتا, فلا کام نہیں کر سکتا, یہ اللہ رب العالمین کے حق میں ایک طرح کی گستاخی ہے, اس سے بچنا چاہیے. اور میں یہ اس لیے میں نے خاص طور پہ کہہ دیا کہ یہ بات جو ہے وہ چھوٹی, مطلب جو بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں ان کی زبان سے جب کوئی بات نکلتی ہے تو پھر وہ, حالانکہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم نام لے کر کے عام طور پہ اپنے ان دروس میں رد نہیں کرتے, لیکن بڑی شخصیتوں سے جب غلطی ہوتی ہے تو اس کو فالو کرنے والے بہت زیادہ لوگ مل جاتے ہیں غلطی کو. تو یہ کبھی آج کا مسئلہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی اس طرح کے سوالات ہوتے رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, امام قیم رحمہ اللہ جیسے لوگوں کے زمانے میں بھی اس طرح کے سوالات کیے گئے, اور انہوں نے اس کا جواب یہی دیا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ یہ سوال فی نفسی ہی غلط ہے, کیونکہ اس میں جو سوال میں جو چیز بتائی گئی ہے وہ چیز ہی نہیں ہے, ایسی چیزیں عقلاً ممکن ہی نہیں ہیں, محال ہیں, اور محال میں قدرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. محال ذاتی کے بارے میں قدرت کا سوال کرنا ہی غلط ہے, کیونکہ وہ چیز معدوم ہے, جو چیز ہی نہیں ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا. بہرحال تو یہ ایک نوٹ تھا اس پر. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. اللہ تعالیٰ فرما رہے تو آپ جہاں بھی نکلو فولی وجهك شطر المسجد الحرام, ایک تو حکم یہ دیا گیا کہ جب آپ حرم مکی میں ہوں, مدینہ کے اندر ہوں, تب تو آپ کو چہرہ کرنا ہے کہاں, کعبہ کی طرف کرنا ہے. اب فرمایا جا رہا ہے, بعض مفسرین نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی سے سوال بھی کیا گیا تھا, بعض صحابہ نے سوال کیا تھا کہ یہ جو کعبہ کی طرف چہرہ کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے, یہ حکم من حیث خرجت فولی وجہ کا, یہ حکم جو ہے نا وہ صرف مدینہ کے لیے ہے, یا مدینہ کے باہر جانے کے بعد بھی ہم کو مکہ کی طرف چہرہ کرنا ہے, ایک سوال بعض صحابہ سے کیا گیا, بعض روایتوں میں آتا ہے. اور یا ویسے ہی اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ مدینہ کے اندر تو آپ کو حکم دیا ہی گیا ہے کہ آپ کعبہ کی طرف چہرہ کریں, وہ من حیث خرجت, اور جہاں کہیں بھی آپ نکلیں, مدینہ سے باہر بھی جائیں
और सफर के लिए भी निकले, फवल्ली वजह का शतर अल मस्जिद हराम, तो उस वक्त भी आप क्या करें, अपना चेहरा मस्जिद हराम की जानिब करें, मस्जिद हराम की सिमत में करें। शतर अल मस्जिद हराम के बारे में मैंने आपको बताया था कि शतरह का मतलब होता है उसकी जानिब रुख करना। तो जरूरी नहीं है कि आपका चेहरा काबा की तरफ ऐसे हो कि सीधी लाइन खींचे तो काबा तक के पहुंच जाए, बस अगर काबा मशरिक की तरफ है आपके तो आपका चेहरा मशरिक की तरफ होना चाहिए, काबा मगरिब की तरफ है तो आपका चेहरा मगरिब की तरफ होना चाहिए, काबा अगर शिमाल की तरफ है तो आपका चेहरा शिमाल की तरफ होना चाहिए, काबा अगर जुनूब में है तो आपका चेहरा जुनूब की तरफ होना चाहिए, इतना काफी है आपके लिए। तो आप जब बाहर निकलें तब भी आपका चेहरा कहाँ होना चाहिए, मस्जिद हराम की तरफ होना चाहिए। मदीना में रह करके तो आपको मस्जिद हराम की तरफ चलेगा। इसमें ये भी पता चला कि अल मस्जिदुल हराम जब मुतलक कहा जाए तो उससे मुराद काबतुल्ला होता है, हरम मक्की होता है, हरम मदनी मुराद नहीं होता जब मस्जिद हराम मुतलक कहा जाए तो। हाँ, क्योंकि हमारे पास हरम दो हैं, एक हरम मक्की और एक हरम मदनी। हरमैन इसलिए कहा जाता है ना, खादिम हरमैन हम कहते हैं। तो हरम दो हैं, हरम मक्की और हरम मदनी। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो हरम मदनी में तो हलाल है लेकिन हरम मक्की में हलाल नहीं है। तो ज्यादा हराम हुरमत जो है वो मस्जिद हराम को ज्यादा हुरमत हासिल है। तो जब मुतलक बगैर किसी कैद के मस्जिद हराम कहा जाता है तो मस्जिद हराम से मुराद मस्जिद नबवी नहीं होती बल्कि वो मस्जिद हराम से काबा मुराद होता है। और मस्जिद हराम जो है वो मैंने इससे पहले बताया था आपको कि मस्जिद हराम इसलिए कहा जाता है कि मस्जिद हराम में बहुत सारी चीजें ऐसी हराम है जो और जगहों पर हलाल है। तो जहां कहीं भी आप चेहरा करें, आप अपना जहां कहीं भी आप बाहर भी निकले तो आपका चेहरा मस्जिद हराम की तरफ होना चाहिए। यहाँ पर एक बात हम रुक करके ये भी समझ लें कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है ना कि हम काबा की इबादत करते हैं क्योंकि हम काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं। तो एक तबका खासतौर पे जो मुसलमानों से जरा दूर है और मुसलमानों के किताबों से और मुसलमानों से दीन नहीं सीखा, वो बस मुसलमानों के अमल को देख करके समझता है कि मुसलमान भी काबा की इबादत करते हैं। बल्कि एतराज भी किया जाता है कि तुम हम बुतों की इबादत करते हो तो और मूर्तियों की इबादत करते हो तो तुम हमको बुरा बोलते हो, तो तुम काबा की इबादत क्यों करते हो, तुम हजरे अस्वद की इबादत क्यों करते हो। तो मस्जिद हराम की हम इबादत नहीं करते बल्कि मस्जिद हराम के रब की इबादत करते हैं, बस हमारा रुख मस्जिद हराम की तरफ होता है। इस कुरान मजीद में बहुत वजाहत के साथ अल्लाह ने फरमाया वलियाबुदू रब हादल बैत, कि उनको चाहिए कि वो इस घर के रब की इबादत करें। इस घर की इबादत करें ही कहा गया है बल्कि इस घर के रब की इबादत करें। तो जब मस्जिद हराम की तरफ हम चेहरा करते हैं तो मकसद मस्जिद हराम की इबादत करना नहीं होता। इसलिए अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया मस्जिद हराम की इबादत करो, अल्लाह ने फरमाया अपनी इबादतों में अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ करो। तो फरमाया मदीना के अंदर रहो तो भी तुम्हारा रुख मस्जिद हराम की तरफ होना चाहिए, मदीने से बाहर दुनिया में कहीं भी रहो तो तुम्हारा रुख मस्जिद हराम की तरफ होना चाहिए। और इस सहूलत की वजह से ही मुसलमान एक नुकते पर मुत्तहिद होते हैं कि मुसलमान जहाँ कहीं भी नमाज पढ़े उनका वो इख्तिलाफ नहीं होगा कि चेहरा कहाँ रखना है। चाहे वो 1 करोड़ की आबादी भी एक जगह जमा हो जाए तो सबको ये पता है कि हमारा रुख एक जानिब होना चाहिए। वह इन्नहु लिलहक्क मिन रब्बिक, और बेशक ये आपके रब की तरफ से हक है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और अल्लाह रब्बुल आलमीन गाफिल नहीं है उन चीज़ों से जो वो कर रहे हैं। तो ये देखिए तीसरी या चौथी मरतबा अल्लाह ताला ने हुक्म दिया ना कि काबा की तरफ रुख करो, बार बार ताकीद की जा रही इस चीज की अहमियत को बयान करने के लिए। इससे हमको एक बात पता चलती है कि कोई चीज अगर अहम हो तो उसकी ताकीद मुसलसल होनी चाहिए, एक बार बोल देना काफी नहीं होता है। अहम चीजों को बार बार दोहराना चाहिए, तकरार करनी चाहिए उनकी, बार बार उसकी नसीहत करनी चाहिए। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन बार बार नसीहत करना है। फिर आगे वाली आयत में फरमाया वो मिन हैतु फरजता फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम वहीसुमा कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम शतरा, जब भी आप बाहर भी निकलें आपका चेहरा मस्जिद हराम की तरफ होना चाहिए। वहीसुमा कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम शतरा, और जहां कहीं भी तुम रहो अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ करो। क्यों? लिअल्ला यकूना लिन्नासी अलैकुम हुज्जा इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम फला तख्शौहुम वख्शौनी वली उतीम मानेमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून। फरमाया इसलिए काबतुल्ला की तरफ चेहरा करो ताकि लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत बाकी ना रह जाए, कोई तुम्हारे खिलाफ दलील ना दे सके। पहले वजह यह बयान फरमाया, क्यों? ताकि अगर तुम ऐसा होगा कि मदीना में हो तो तुम काबतुल्ला का रुख कर रहे हो, मदीना से बाहर निकल रहे हो तो किसी और तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ रहे हो, तो लोग तुम्हारे खिलाफ उसको दलील बना लेंगे और तुम्हारा रद्द करेंगे कि तुम्हारी कौन सा किबला है कि मदीना में रहते हो तो किबला की तरफ रुख करते हो काबा की तरफ, और मदीना से बाहर निकलते हो तो तुम्हारा किबला तब्दील हो जाता है। तो अगर मदीना में हो तब भी तुम्हारा रुख काबा की तरफ होना चाहिए, मदीना से बाहर भी तुम्हारा रुख काबा की तरफ होना चाहिए ताकि लोग तुम्हारे खिलाफ कोई दलील ना ढूंढ करके लाए। इससे क्या पता चले हमको, हमारा कोई अमल ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे हमारे दीन पर सवाल खड़ा हो। अगर हम
एक काम कर रहे हैं, बात एक कह रहे हैं और हमारा अमल उसके खिलाफ है, तो क्या होगा? हमारी अमल की जो मुखालफत है उसको लोग हमारे दीन के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे कि तुम जबान से तो बड़े बड़े अपने दीन के दावे करते हो, लेकिन जब तुम्हारा अमल होता है तो तुम्हारा अमल तो तुम्हारे दीन के खिलाफ होता है। तो हमारा हमारे अमल में जो तजाद होता है ना, वो बाज मरतबा हमारे कौल व फिल में जो तजाद होता है वो हमारे दीन को बदनाम करने का सबब बन जाता है। तो सहाबा से और अल्लाह के रसूल से कहा जा रहा है कि तुम मदीना में भी काबा की तरफ रुख करो, मदीना के बाहर भी काबा की तरफ रुख करो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, लोग तुम्हारे इस काबा और किबले की तब्दीलों को तुम्हारे खिलाफ हुज्जत बना लेंगे, इल्लल्लज़ीन ज़लमू, सिवाय जालिमों के। यानी अगर तुम चेहरा काबा ही की तरफ करोगे तो लोगों के पास तो तुम्हारे लिए कोई दलील नहीं रह जाएगी, बाकी जो जुल्म करने वाले हैं वो तो बहरहाल तुमसे लड़ाई करेंगे, वो तो बहरहाल तुमसे मुबाहसा करेंगे, वो तो बहरहाल तुम पर एतराज करेंगे। तो फला तख्शौहुम वख्शौनी, जो जालिम लोग हैं जो बगैर किसी दलील के तुमसे बहस कर रहे हैं उनसे मत डरो, हमसे डरो। अगर तुम चेहरा दूसरी तरफ करोगे बाहर निकल करके, तब तो लोगों की दलील कवी होगी, लेकिन अगर तुम अपने अमल पर साबित कदम हो फिर भी कुछ जालिम लोग तुम पर तुमसे बहस कर रहे हैं, तकरार कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, फिर तुमको डरने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर तुम्हारे अमल में तजाद है फिर तुमको डरना चाहिए, क्योंकि उनकी फिर दलील सही हो जाएगी, उनकी हुज्जत सही हो जाएगी, उनकी बात कवी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे कौल अमल में कोई तजाद नहीं, तुम दीन पर साबित कदम हो, फिर भी एतराज करने वाले एतराज करना नहीं छोड़ेंगे। जो जालिम लोग हैं वो फिर भी एतराज करेंगे, इल्लल्लज़ीन ज़लमू, जालिम लोग एतराज करेंगे जो उनमें से हैं। फला तख्शूम, फिर उनके एतराज से अगर तुम्हारे अमल में कोई कमी नहीं है तो एतराज करने वालों के एतराज से तुमको नहीं डरना है। वख्शौनी, उनसे मत डरो, मुझसे डरो। अल्लाह ताला ने पहली बात ये फरमाई कि बाहर निकल करके मदीना से भी काबा का रुख क्यों करना है, ताकि लोग तुम्हारे खिलाफ हुज्जत ना कायम करें। और एक बहुत अहम बात हमको ये पता चली कि आप कितने भी दीन पर हों, आप कितनी भी सच्चाई पर हों, एतराज करने वाले बहरहाल एतराज करते हैं। जिनको एतराज करना है, जिनको मुखालफत करनी है, वो कोई ना कोई नुकता निकाल कर मुखालफत करते हैं। जो बिला वजह के एतराज करने वाले लोग हैं, आपकी दीनदारी पर, कभी आपके नमाज पढ़ने पर एतराज करते हैं, कभी आपके रोजे रखने पर एतराज करते हैं, कभी आपके पर्दे पर, कभी आपकी दाढ़ी पर, कभी आपके शरई लिबास पर, कभी आपके मामलात पर, जो एतराज करने वाले फजूल का एतराज करने वाले हैं, आपकी आप हक पर हैं फिर भी एतराज करने वाले हैं, वो जालिम लोग हैं। इल्लल्लज़ीन ज़लमू, अल्लाह ने उनको जालिम करार दिया। अगर आपने कोई गुनाह नहीं किया और लोग आप पर मलामत कर रहे हैं, आपकी नेकी की वजह से आप पर मलामत कर रहे हैं, एक हलाल काम करने के बावजूद लोग आप पर मलामत कर रहे हैं, अल्लाह ने फरमाया ये जुल्म करने वाले लोग हैं जो सच और हक पर होने के बावजूद आपकी मुखालफत कर रहे हैं। और ऐसे मलामत करने वालों की मलामत से डरना नहीं चाहिए। फला तख्शौहुम वख्शौनी, ऐसे चिल्लाने वाले, ऐसे हंगामा करने वाले, ऐसे प्रोपेगेंडा करने वालों से मत डरिए, इनका खौफ मत खाइए। यानी हर जमाने में क्या होता है ना कि दो तीन से रोकने वाली जो एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है कि आदमी हक को मांगने के बावजूद हक पर अमल नहीं करता, हक को जानने के बावजूद हक पर अमल क्यों नहीं करता, क्योंकि वो लोगों से डर जाता है, लोगों का खौफ, लोग क्या कहेंगे। बहुत सारे मामलात में दीन का इल्म रखने के बावजूद बस हमारे कदम इसलिए लड़खड़ा जाते हैं और हक पर हम इसलिए साबित कदम नहीं रह पाते क्योंकि हम लोगों से डर जाते हैं। और लोग तो डराना चाहते हैं, लोग तो चाहते हैं कि वो खुदा बनकर के आपके सर पर मुसल्लत हो जाए और आप उनसे डरें, लोग चाहते हैं कि उनके सामने जवाबदेही करें, आप उनसे उनको जवाब दें, आपसे सवाल करते हैं। दीन में अगर आप हक पर हैं तो आपको लिल्लाहियत आपके अंदर होनी चाहिए। नहीं, दो तरह के मिजाज होते हैं, एक लिल्लाहियत और एक लिन्नासियत। लिन्नासियत नहीं, लोगों से डरना, अरे मैं नमाज पढ़ू, जैसे कैसे होता है बाद मरतबा दोस्तों की मजलिस में मौजूद है और अजान हो गई, बाद में सोचता है यार अगर मैं अभी उठ करके चले जाऊँ दोस्तों की मजलिस से तो लोग क्या कहेंगे, लोगों को लोगों के कहने के डर से वो नमाज छोड़ दे रहे हैं, लोगों लोग क्या कहेंगे सोच करके वो, यानी बच्चा है वो शरीय एतबार से और सादगी के साथ निकाह करना चाहता है लेकिन वो सोचता है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सवाल करेंगे, खानदान वालों क्या जवाब दूंगा, लोगों से डर जाता है। पर्दा करना चाहती है औरत लेकिन ये सोचती है लोग क्या कहेंगे, लोगों से डर जाते हैं। लोगों का डर बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। यानी आप सोचिए ये सिर्फ आम आदमी का मामला क्या होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत जैनब जो है वो अल्लाह के नबी के निकाह में दे दी गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने तो दे दी निकाह में, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाफिकिन का एक अंदेशा था कि मुनाफिकिन को जो है वो मौका मिल जाएगा अल्लाह के नबी के खिलाफ बात करने की और मुनाफिकिन प्रोपेगेंडा करेंगे। अल्लाह ताला ने बाकायदा फरमाया फला तखाफू मखाफू ने कैसे तख्शा नास वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा, कि अल्लाह के नबी आप लोगों से डर रहे हैं, हालांकि हक तो ये कि आप अल्लाह से डरें। पब्लिक के खिलाफ जाना, अवाम के खिलाफ जाना, समाज के खिलाफ जाना, इसके लिए बहुत पावर चाहिए होती है, बहुत ताकत चाहिए होती है। नहीं, सोचिए अल्लाह के नबी से कहा जा रहा है कि अल्लाह के नबी
आप लोगों से डर रहे हैं, क्योंकि लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे अल्लाह के नबी के खिलाफ कि ये कौन सा नबी है जिसने अपनी मुंह बोले बेटे की बीवी से शादी कर ली, अपने मुंह बोले बेटे के जो है वो मुतल्लक औरत से शादी कर ली, तलाक याफ्ता औरत से। तो अल्लाह के नबी को भी खौफ था, किसी भी शरई मसले में जब आप साबित कदम रहते हैं और फिर उसके खिलाफ समाज आ जाते हैं, तो एक होता है एक मतलब एक समाज जब दीन जो है ना वो समाज से टकरा रहा होता है, तो दीन पर साबित कदम रहने के लिए बहुत ताकत दरकार होती है कि समाज के खिलाफ कैसे चले जाएं, ये बहुत बड़ा मसला होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया समाज से मत डरो, फला तख्शौहुम, ये जो जालिम समाज है जो तुम्हारी दीनदारी को तुम्हारे लिए ताना बना देता है, अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए हलाल किया था उसे तुम पर हराम कर दिया है और वो फिर तुम्हारे आड़े आ गया है, वो तुमको डरा रहा है, लोग डराते हैं, आप हक पर रहे साबित कदम रहना चाहते, लोग आपको डराते हैं, लोग आपको दबाते हैं। फला तख्शौहुम, लोगों से नहीं दबना है, अल्लाह से दबना है, लोगों से नहीं डरना है, अल्लाह से डरना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह के नबी के साथ आपके सारे सहाबा को तसल्ली दी जा रही है। इन आयतों से हम समझ सकते हैं कि जब क़िबला तब्दील हुआ उस वक्त मुखालिफत का कितना बड़ा पहाड़ और कितना बड़ा तूफान खड़ा हो गया होगा, वो आसान काम नहीं था ना, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में पहले से अपने नबी और सहाबा को तैयार कर दिया था इसके लिए कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इस पर बड़ा हंगामा खड़ा होने वाला है। सयकुलु सुफहा, अभी करीब बेवकूफ़ों की एक जमात एक प्रोपेगेंडे का तूफान चलाने वाली आपके खिलाफ। अल्लाह ताला पहले से नबी को क्यों खबरदार कर रहा है कि बहुत बड़ा तूफान बदतमीजी खड़ा किया जाने वाला था, अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि तुम हक पर हो, लोग क्या बोल रहे हैं तुमको डरने की जरूरत है। लोग तो बोल रहे थे, यहूद कह रहे थे ये कौन सा नबी है, इसने आते ही साथ किबला तब्दील कर दिया, मुशरिकीन कहते थे कि ये देखो अब तो हमारे किबले की तरफ आ गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता हमारे दीन में भी आ जाएंगे, अभी तो किबला काबा को बनाए, आहिस्ता आहिस्ता जो किबले काबा में जो बुत रखे हुए उन बुतों की पूजा भी शुरू कर देंगे। मुनाफिकीन कहते थे ये तो बहुत कंफ्यूज नबी है, कभी कहता है इस तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ो, कभी कहता है उस तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ो। आप सोचिए जब इस तरह की बातें हो रही होंगी तो कितना सब्र और कितना हौसला दरकार है इस तरह की बातों को टैकल करने के लिए, इनका मुकाबला करने के लिए। ये एक स्पेसिफिक वाकया गर्चे है लेकिन ये मिजाज और ये सूरत हाल हर जमाने में अहले हक को पेश आती है, हर जमाने में पेश आती है अहले हक को कि आप जब हक की बात करते हैं तो जो बातिल है वो आपका मजाक उड़ाता है, इस्तेहजा करता है, आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है और वो मॉकिंग करता है आपकी, और उस वक्त आपको बहुत सब्र की जरूरत है। अभी रिसेंटली जो है वो एक मुनाजरा हुआ जैद भाई का और एक जो है वो मुलहिद का, शायद आपने भी वो वीडियो देखी होगी हजरत आयशा की उम्र के मुताल्लिक। आप देखिए कि इतनी बड़ी प्रोपेगेंडे का इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया गया ना हजरत आयशा की उम्र को लेकर के, उसमें आदमी हक पर साबित कदम रहे इसके लिए बहुत ताकत दरकार है। अच्छे अच्छे लोग जो है ना उनके कदम बहक जाते हैं, बहुत एक ताप का जो है ना वो बहुत सफाई देने के चक्कर में उसने हजरत आयशा की उम्र पे इनकार कर दिया। सिर्फ एक मसला नहीं है, बहुत सारे ऐसे मामला है, मुर्तद के कत्ल का मसला है, एक तबका जो है वो क्योंकि वो साबित नहीं कर पाता मुर्तद का कत्ल कैसे जायज है तो वो सिरे से इनकार करना शुरू कर देता है। पर्दे के खिलाफ जब इतनी बातें होती हैं तो एक तबका जो है ना वो कहता है कि नहीं पर्दा इस्लाम में कुछ ऐसे नहीं है, ये सब मौलवियों की घड़ी हुई बातें, पर्दे का इनकार कर देते हैं, जिहाद का इनकार कर देते हैं, नमाजों का इनकार कर देते हैं। यानी प्रोपेगेंडे के तूफान के मुकाबले में जब समाज एक चीज के खिलाफ खड़ा हो जाए तो उसके मुकाबले में खड़ा होना एक बहुत उसके लिए हौसला हिम्मत ताकत और कुव्वत दरकार होती है, और वो कैसे मिलती है जब आप ये समझते हैं अल्लाह को मतलब मेरे रब की तरफ से जो आया है वो हक है, मैं हक पर हूँ, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए मैं इंशाअल्लाह ताला इस हक से पीछे नहीं हटूंगा। तो आपको जब भी हक के मुकाबले में समाज का मुकाबला हो आप हक पर साबित कदम रहें और अल्लाह ताला के इस फैसले को याद रखें फला तख्शू, तुमको लोगों से नहीं डरना है। आपने फैसला किया है कि आप दाढ़ी रखेंगे, आपको दाढ़ी रखना है, आपको लोगों से नहीं डरना है। आपने फैसला किया आप सही उम्र में शादी कर लेंगे, आप एक साथ निकाह करेंगे, आप हक पर हैं, समाज आपकी मुखालफत कर रहा है, आपको नहीं डरना है। आपने फैसला किया है कि आप नकाब करेंगी, आप पर्दा करेंगी नामहरम लोगों से, समाज वाले क्या बोल रहे हैं, खानदान के लोग क्या बोल रहे हैं, अम्मी क्या बोल रही है, अब्बा क्या बोल रहे हैं, भाई क्या बोल रहे हैं, किसी की कुछ भी बोलने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अल्लाह का खौफ किसी के खौफ पे गाली देना चाहिए, फला तख्शौ वख्शौनी, लोगों से मत डरो, मुझसे डरो अगर तुम ईमान वाले हो। वली उतीम मा नेमती अलैकुम, दूसरी वजह बताई कि ताकि अल्लाह ताला अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दे, यानी तुम मस्जिद हराम की तरफ चेहरा करो तो अल्लाह ताला की नेमत तुम पर तमाम होगी, क्योंकि अल्लाह की नेमत क्या है, दीन, और दीन के जो हिस्से हैं उसमें से एसेंशियल हिस्सा ये है क़िबले की तरफ चेहरा कर, तो अगर तुम किबले की तरफ चेहरा नहीं करोगे तुम्हारा दीन मुकम्मल नहीं, अल्लाह की नेमत तुम पर तमाम नहीं हुई है। वो लाल लकुम तहतदून, और ताकि तुम हिदायत पर आ जाओ, किबले की तरफ चेहरा करो ताकि तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम अल्लाह के एक हुक्म का जब हम उस पर अमल करते हैं तो क्या होता है, अल्लाह ताला दूसरे आकाम पर अमल करने के रास्ते हमारे लिए आसान कर देता है। तो वो लाल लकुम तहतदून, तुम किबले की तरफ इसलिए भी चेहरा करो ताकि अल्लाह ताला तुमको हिदायत दे सीधे रास्ते, यानी किबले की तरफ चेहरा करने से हमारा इत्तेहाद मजबूत होता है,
हमारे दरमियान मोहब्बत पैदा होती है। हम अपने इसलिए मुसलमानों को अहले किबला भी कहा जाता है। अहले किबला यानी सारे हमारे मुसलमान भाई, जो मैंने बताया ना कि जो हमारे किबले की तरफ रुख करे वो हमारा मुसलमान भाई। तो हमको इससे इत्तेहाद की नेमत मिलती है, इत्तेहाद की हिदायत मिलती है। अल्लाह ताला हमारी इत्तेहाद की तरफ हमारी रहनुमाई करता है। और जब हम एक अल्लाह ताला की दीन पर अमल करते हैं, जैसे कि सहाबा ने इतने बड़े प्रोपेगेंडे के बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मान लिया और अपनी साबित कदमी दिखाई, तो अल्लाह ताला ने क्या किया, हिदायत के दूसरे रास्ते भी उनके लिए आसान कर दिया। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में किबले की तरफ चेहरा करने की तीन वजह बयान फरमाई। पहली वजह क्या है, ताकि तुम्हारे खिलाफ लोग कोई हुज्जत ना पकड़ लें। अगर तुम दूसरी तरफ चेहरा करके नमाज पढ़ोगे तो लोग तुम्हारे खिलाफ एक दलील बना लेंगे। दूसरी बात फरमाई ताकि अल्लाह अपनी नेमतों पर तमाम कर दे। और तीसरी बात फरमाई वलअल्लकुम तहतदून, कि इसके जरिए से अल्लाह ताला तुमको हिदायत अता फरमाएगा। यहाँ पर जो किबले की बहस थी वो खत्म हुई है। अब अगली आयतों में कुछ और मौजूदात पर बहस होगी, इसलिए हम आज के दर्स को इन्हीं आयतों पर खत्म करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको दीन का सही फहम अता फरमाए। अल्लाह जब तक जिंदा रखे इस्लाम पर जिंदा रखे, खात्मा हो तो जबान से निकलने वाला कलिमा शहादत का कलिमा हो। बारकल्लाहु फीक। ठीक है, आज का दर्स यहीं पर खत्म करते हैं। अकुल कौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह लि वलकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फिरुहु इन्नहु गफूरुर रहीम। वा आख़िरु दावाना।